हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड इवनिंग। और आज हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। फिजिक्स का सबसे फेमस टॉपिक अगर मैं कहूँ, चाहे बच्चों के लिए, चाहे टीचर्स के लिए, किसी के लिए भी हो, तो वो रोटेशनल मैकेनिक्स होता है, राइट? और रोटेशनल मैकेनिक्स कुछ लोग टफ कहते हैं, कुछ लोग इंटरेस्टिंग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बड़ा मज़ा आ रहा है पढ़ने में, कुछ कहते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है। बट मुझे लगता है कि फिज़िक्स का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक अगर कोई है तो वो रोटेशनल मैकेनिक्स ही है, राइट? तो इससे पहले कि हम लोग रोटेशनल मैकेनिक्स को स्टार्ट करें, हम लोग कुछ जनरल बातचीत करते हैं 1 मिनट की। जैसे हमारी ये वेबिनार सीरीज चल रही है, आप सभी लोग जानते हैं विद्यावंदर क्लासेस ये वेबिनार कर रहा है, और इस वेबिनार ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार हो रहा है 2020 के स्टूडेंट्स के लिए। और हम हर दिन सुबह और शाम ये वेबिनार कर रहे हैं अलग अलग टॉपिक्स का। आप में से बहुत सारे बच्चों ने हमसे शेड्यूल मांगा था, तो हमने आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में शेड्यूल दे दिया है इस वेबिनार का, कि किस दिन कौन सा सेशन होगा, राइट? अब जो है, हम लोग रोटेशन कैसे पढ़ेंगे, कितने लेक्चर्स हम इसमें लेंगे या कितने सेशंस हम इसमें लेंगे, इससे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम सौरभ है। मैंने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आज से करीब 20-22 साल पहले, और पिछले 20 साल से जो है मैं बच्चों को आईआईटी के लिए ट्रेन कर रहा हूँ। विद्या मंदिर क्लासेस में एकेडमिक डायरेक्टर हूँ। अब हम लोग जो है रोटेशन को, बेसिकली हमने जो डिसाइड किया है वो ये किया है कि जो रोटेशनल मैकेनिक्स हमारा चैप्टर है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि एक तो हम जैसे आज के सेशन में जनरल रोटेशन पूरा कर लेंगे, ठीक है? तो एक तो जनरल रोटेशन की बात हो गई, जिसके अंदर सारी बातें हो जाएंगी। सिर्फ दो बातें छोड़ देंगे, एक छोड़ देंगे रोलिंग, जिसका हम बिल्कुल अलग से एक सेशन लेंगे, और रोलिंग मोशन के ऊपर हम लोग पूरा एक अलग से सेशन लेंगे, और एक कोलिजन्स। कोलिजन्स जो है रोटेशन के अंदर, जो कोलिजन होते हैं कि एक रॉड है उसके ऊपर आके पार्टिकल टकरा गया, या एक डिस्क है उसके ऊपर पार्टिकल टकरा गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो आप सभी लोग जानते हैं, उसका एक एक इंडिविजुअल सेशन है। तो जो नॉर्मल कोलिजन है जो हमने वर्क एनर्जी में नहीं किया था वो, और जो रोटेशन के अंदर कोलिजन है उसको हम कंबाइन करके एक सेशन जो है वो लेंगे पूरा, ठीक है? चलिए, तो इस तरीके से हम रोटेशन के 3 सेशन जो हैं वो करेंगे। हमारा जो अगला फिजिक्स का वेबिनार है, जो मेरा है, उसके अंदर हम कोलिजन करेंगे, और कोलिजन के अंदर जो वर्क नॉर्मल कोलिजन है 1D के वो करेंगे, और रोटेशन के अंदर के कोलिजन करेंगे, और उसके बाद जो है हम रोलिंग मोशन के ऊपर बातचीत करेंगे, ठीक है? चलिए, तो अब ज़्यादा बातचीत ना करते हुए बात को आगे बढ़ाया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं भैया, रोटेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो सभी लोग जानते हैं कि रोटेशन किसके लिए है। रोटेशन जो है वो रिजिड बॉडी के लिए है। रोटेशन किसके लिए है? रोटेशन जो है वो रिजिड बॉडी के लिए है। और रिजिड बॉडी कौन सी होती है? रिजिड बॉडी ऐसी होती है जिसके ऊपर अगर फोर्स या टॉर्क लगाया जाए तो डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स डज नॉट चेंज, ठीक है? तो रिजिड बॉडी होगी कि जिसमें आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स डज नॉट चेंज, टू पार्टिकल्स डज नॉट चेंज ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और टॉर्क, ठीक है? तो ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और टॉर्क, राइट? अच्छा, अब रोटेशन किसे कहते हैं? रोटेशन कहते हैं कि कोई भी रिजिड बॉडी अगर रोटेट कर रही है तो उसके सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेंगे, और वो ऐसा सर्कुलर मोशन करेंगे कि सबके सेंटर्स एक्सेस ऑफ रोटेशन के ऊपर लाई करेंगे, ठीक है? तो रोटेशन की डेफिनेशन फिर से बात करते हैं कि सारे पार्टिकल्स जो है सर्कुलर मोशन करेंगे, और सबके सेंटर जो हैं वो एक्सेस ऑफ रोटेशन के ऊपर लाई करेंगे, राइट? अब बहुत बड़ा शब्द जो है, जिसको हम एक्सेस ऑफ रोटेशन कहते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है? कि एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या है भाई? ऐसे तो कहो एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या है, तो आप कहोगे जिस एक्सेस के अबाउट चीज़ें रोटेट कर रही हैं वो एक्सेस ऑफ रोटेशन है। तो ये तो वो बात हो गई कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया, पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज कर दिया, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट कर दिया, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट कर दिया। एक्सेस ऑफ रोटेशन की 3 बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और उन 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि हम अभी जो है, आज मैं आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन के बारे में भी यहीं पर डिस्कस करूंगा, रोलिंग में उसका यूज कर लेंगे, ठीक है? डेफिनेशन आज ही करेंगे, ठीक है?
एक्सेस ऑफ रोटेशन की जो तीन इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि पहली कि इट इटसेल्फ इज एट रेस्ट, वो खुद क्या होगी उसको किस पे माना जाएगा, रेस्ट पे माना जाएगा, ऑलवेज और इंस्टेंटेनियस। अगर फिक्स्ड एक्सेस रोटेशन है तो ऑलवेज, और अगर चलती हुई है तो इंस्टेंटेनियस, राइट। दूसरी प्रॉपर्टी कि ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑल पार्टिकल्स, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑल पार्टिकल्स अबाउट एओआर इज सेम, सारे पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी अपनी एक्सिस के अबाउट जो होगी वो सेम, ठीक है। और थर्ड बार कि वेलोसिटी लीनियर वाली है ना, ऑब्वियसली इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। कैसे रिलेट करते हैं हम इसको, v इज इक्वल टू r टाइम्स ओमेगा, ऐसे रिलेट करते हैं, ठीक है। तो जो एक्सेस होगी वो ऐसे होगी, राइट। अब ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम बार बार कह रहे हैं, 2019 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो थे रोटेशन से आए मैकेनिक्स में, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है रोटेशन से आए, अप्रॉक्सीमेटली करीब सारे सेशन मिला के 18 क्वेश्चन के करीब जो है, 17-18 क्वेश्चन के करीब आए, ठीक है। 2020 में जो जनवरी का एग्जाम हुआ उसमें भी जो है सारे सेशन मिला के 8 क्वेश्चन आए, यानी क्वेश्चन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम आए। बट रोटेशन जो है, चाहे मेंस हो चाहे एडवांस हो, अपना वर्चस्व जो है, अपना जो मेजॉरिटी है उसको बना के रखता है, और जब क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छा आता है, ठीक है। चलो, तो अब कोई भी चीज़ रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस के अबाउट, तो जो हम लोगों ने बेसिक इक्वेशंस पढ़ी थी वो सारी वैलिड रहती हैं, कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी जो सर्कुलर मोशन की है, या थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, या ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा थीटा, राइट। तो ये इक्वेशन सारी एज इट इज वैलिड रहेंगी। इसके अलावा जो हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए बात करते थे वो भी सब एज इट इज ही रहेगा, कि ओमेगा को आप लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी टी, अल्फा को लिख सकते हैं आप डी ओमेगा बाई डी टी, या अल्फा को आप लिख सकते हैं ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप कर सकते हैं, जब जो चीज़ें आपने बेसिकली सर्कुलर मोशन में की थी, राइट। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात जो कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट बात जो है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जेई मेन में जिस टॉपिक से पूछे गए वो टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिस टॉपिक में से पूछे गए जेई मेन में वो टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप अगर पुराने पेपर भी उठा के देख लोगे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सारे 2019-20 के क्वेश्चन तो हम करेंगे ही करेंगे, और साथ में जनरल बातचीत भी कर लेते हैं कि भाई कैसे कैलकुलेट करना है, क्या करना है, जो आप लोगों को ध्यान में रखना, ठीक है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम दो तरीके से इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, एक तो बात करेंगे कि डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम की, डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया जाता है आई, दैट इज गिवन एज सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर, ठीक है। यानी सारे पार्टिकल का मास मल्टीप्लाइड बाई रेडियस स्क्वायर, ये अगर आप कर दें तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, ठीक है। वेयर आर आई इज द डिस्टेंस फ्रॉम द, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो आर आई इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस ऑफ, राइट। दूसरा है कंटिन्यूस मास सिस्टम के लिए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कंटिन्यूस मास सिस्टम पे आने से पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उसको देख लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास टू पार्टिकल सिस्टम हो, जैसे सपोज करिए कि हमारे पास टू पार्टिकल सिस्टम हो, अब टू पार्टिकल सिस्टम सभी को पता है क्या होता है, कि भाई दो पार्टिकल है हमारे पास, एक m1 मास का है, एक
एम टू मास का है, ये दोनों आर डिस्टेंस अपार्ट हैं, आर डिस्टेंस अपार्ट हैं, और ये एक एक्सेस ऑफ रोटेशन है जो इनके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस मान लीजिए आर वन हो गया, ये डिस्टेंस मान लीजिए आर टू हो गया, और टोटल डिस्टेंस जो है इनके दोनों के बीच में आर है। तो सेंटर ऑफ मास की नॉलेज से मुझे लगता है कि सबको ये बात ध्यान होनी चाहिए कि आर वन की जो वैल्यू होती है वो होती है एम टू आर अपॉन एम वन प्लस एम टू। देखिए टू पार्टिकल सिस्टम्स फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं याद है तो अभी आप देख के इसको याद कर लीजिए, ठीक है। और आर टू की वैल्यू होती है एम वन आर अपॉन एम वन प्लस एम टू, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो लिखा जाता है सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, मतलब ये पॉइंट जो है हमने इसको सेंटर ऑफ मास मान लिया है, तो इसके अबाउट अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं तो आप सिंपली लिख सकते हैं म्यू इंटू आर इसको, ठीक है। जहाँ पे म्यू क्या है, म्यू इज द रिड्यूस्ड मास। अब जिन लोगों को नहीं पता है रिड्यूस मास क्या होता है उनको बता दें कि म्यू की वैल्यू जो होती है एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू होती है, ठीक है। म्यू की वैल्यू जो होती है वो एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू होती है, राइट। तो ये हमारा रिड्यूस मास हो गया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू पार्टिकल सिस्टम के लिए हो गया। अब हम बात करेंगे कि डिस्क्रीट के लिए, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स अगर आप देखेंगे जेई मेंस में पूछे गए हैं तो डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम के लिए पूछे गए हैं, तो हम लोग बात कर लेते हैं डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम की। सॉरी, डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम तो हम डिस्कस कर चुके हैं, कंटिन्यूस मास सिस्टम। तो कंटिन्यूस मास सिस्टम जो है वो कहता है कि भैया कभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है कंटिन्यूस मास सिस्टम का आई, तो वो हो जाएगा इंटीग्रल डीएम आर स्क्वायर। जहाँ पे डीएम इज द मास ऑफ द एलिमेंट कंसिडर्ड। डीएम क्या है, मास ऑफ एलिमेंट कंसिडर्ड, और आर क्या है, आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन। राइट। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंटिन्यूअस मास सिस्टम, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल डीएम। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो 2019 में खासतौर से पूछे गए वो कंटिन्यूअस मास सिस्टम के ऊपर पूछे गए कि भाई कंटिन्यूअस मास सिस्टम में जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरीके से है, तो खूब सारे कैलकुलेशन दिए गए जहाँ पे डीएम तक की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो अभी आने वाले टाइम में हम जब ये सेशन चलेगा तो थोड़ी देर में आप लोग देखेंगे कि हम उस तरीके के प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एओआर लेना है। बहुत बार क्या होता है हम नॉर्मल डिस्टेंस ले लेते हैं, फिर क्वेश्चन का आंसर जो होता है वो गलत आ जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये बात हो गई भाई, एक हमारी इंपॉर्टेंट बात हो गई कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आप सभी जानते हैं कि दो थ्योरम्स होती हैं, एक होती है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और एक होती है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, राइट। तो मैं कुछ थ्योरम मैं प्रूव नहीं करूंगा, पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इतना टाइम तो हमारे पास नहीं है, बट हाँ डिस्कस जरूर कर लेंगे। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कहती है कि भाई अगर कोई भी बॉडी है जिसका सेंटर के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, जैसे ये पॉइंट हो गया सेंटर ऑफ मास का और ये कोई जनरल पॉइंट हो गया पी, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है डी, और एक एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और एक एक्सिस जो पी से पास हो रही है, तो हमेशा लिख सकते हैं कि आई पी इज इक्वल टू आई सी प्लस एम इंटू डी स्क्वायर, वेयर एम इज द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दूसरी थ्योरम जो है वो है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, राइट। अब ये जो है ना, इसमें काफी बच्चे गड़बड़ करते हैं, तो इसमें एकदम ध्यान रखिए कि दिस थ्योरम इज आपके हम लोगों के लिए जो हम लोग 11th 12th में हैं और तैयारी कर रहे हैं जो लोग, उसके लिए कि दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर प्लेन लैमिना, दिस इज एप्लीकेबल 3D की बिल्कुल अलग होती है ये, ठीक है। दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर प्लेन लैमिना, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर प्लेन लैमिना, प्लेन लैमिना मतलब 2D ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लेन लैमिना मतलब टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट,
राइट। अच्छा तो इसको देखते हैं कि ये किस तरीके से कहती है, और फिर सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों को रिव्यू करके फटाफट क्वेश्चन करने का कार्यक्रम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो जैसे सपोज करिए कि ये कोई भी एक हमारे पास टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक, कोई भी ये हमारे पास एक टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, राइट, और इसके अंदर हम तीन एक्सेस ले लेते हैं, एक्स वाई और जेड, राइट। ये कोई भी इसके अंदर पॉइंट ले लीजिए या सेंटर पॉइंट ले लीजिए, ठीक है, तो ये हमारे तीन एक्सेस हो गई इसके अंदर, राइट। तो फॉर सिंपलिसिटी हम सपोज कर लीजिए इसको एक्स ले लेते हैं, इसको वाई ले लेते हैं, और इसको जेड ले लेते हैं, ठीक है। तो जो ये पैरेलेक्सिस थ्योरम है ये कहती है कि आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, राइट। तो ये जो है ये हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, राइट, कि जो वो क्या कहती है कि तीन इसमें से दो एक्सिस जो हैं वो प्लेन लेमिना के प्लेन में होनी चाहिए, और थर्ड एक्सिस जो है वो लेमिना के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो जो एक्सिस लेमिना के परपेंडिकुलर है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच आर लाइंग इन द प्लेन ऑफ द लेमिना, राइट। तो एक्स और वाई इस समय लेमिना के प्लेन में लाई कर रहे हैं और जेड जो है उसके परपेंडिकुलर है, तो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, राइट। तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हो गई, ठीक है। इसका और भी यूज हम कर सकते हैं, बट अभी हमारे लिए जेई मेन के लिए तो हम कहेंगे कि इतना ही बहुत है, आपको इससे ज़्यादा दिमाग खर्च करने की रिक्वायरमेंट अभी आपके लिए नहीं है, ठीक है। देन फिर आप लोगों ने सबने पढ़ा था टॉर्क ऑफ ए फोर्स, तो सिंपल है भाई, टॉर्क एक एक्सियल वेक्टर है। रोटेशन के अंदर इस्तेमाल होने वाले सारे वेक्टर्स कैसे हैं, एक्सियल वेक्टर हैं, चाहे ओमेगा हो, चाहे अल्फा हो, चाहे टॉर्क हो, चाहे एंगुलर मोमेंटम हो, चाहे स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा भी हो, ठीक है। सो टॉर्क इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इज आर क्रॉस एफ, ठीक है। क्या पहले आएगा और क्या बाद में आएगा यही पूरा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अगर एफ क्रॉस आर कर दोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है। आर क्रॉस एफ, या हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगा दीजिए, तो इट इज आर एफ साइन थीटा इनटू यूनिट वेक्टर, एंड वेयर यूनिट वेक्टर एन इज परपेंडिकुलर टू बोथ एफ एंड आर, राइट। सिमिलरली इसी लाइंस पर हम लिख लेते हैं एंगुलर मोमेंटम भी, ठीक है। सेम लाइंस पर हम लोग लिख लेते हैं एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम जो होता है कैपिटल एल से डिनोट होता है, कैपिटल एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी या आर क्रॉस एम पी, कुछ भी लिख सकते हैं आप, या तो पी लीनियर मोमेंटम लिख दीजिए या एम पी लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर भी एंगुलर मोमेंटम को आप लिख सकते हैं एम वी आर साइन थीटा, एम वी आर साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर, राइट। अब इन दोनों को ही टॉर्क को या एंगुलर मोमेंटम को हम एक और तरीके से लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं मैग्नीट्यूड कि टॉर्क कैन बी रिटन एज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एज वेल एज एंगुलर मोमेंटम विल आल्सो बी रिटन एज कि एम वी मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो है हमें वो दे देते हैं, क्या दे देते हैं, इनका मैग्नीट्यूड दे देते हैं, और एंगुलर मोमेंटम का, ये वाला एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड दे देगा। नॉर्मली तो आप क्या है जो क्रॉस प्रोडक्ट है उससे डायरेक्शन निकालते हैं, बट इन जनरल आप ये ध्यान रख सकते हैं कि अगर कोई भी चीज़ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो वेक्टर्स जो होते हैं आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर होते हैं, और कोई चीज़ अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो वेक्टर्स जो होते हैं इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, राइट। चलिए टॉर्क एंगुलर मोमेंटम की बात हो गई, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम रिजिड बॉडी के लिए कैसे लिखा जाता है कि एंगुलर मोमेंटम फॉर ए रिजिड बॉडी, एंगुलर मोमेंटम फॉर ए रिजिड बॉडी इज गिवन एज एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम फॉर ए रिजिड बॉडी इज गिवन एज एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, एंड रिमेंबर दैट दिस इज दीज आर वेक्टर्स, ठीक है। तो आई आई इज नॉट ऑब्वियसली अ वेक्टर एंड ओमेगा इज अ वेक्टर, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, सो दीज आर वेक्टर्स, राइट। चलिए अब बात करते हैं यहीं पर न्यूटन की सेकेंड लॉ इन रोटेशन की, न्यूटन सेकेंड लॉ इन रोटेशन
तो न्यूटन की, जैसे एफ इज इक्वल टू एम ए होती है, ऐसे टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा इज द न्यूटन सेकेंड लॉ इन रोटेशन, राइट? और यू कैन से दैट टॉर्क इज इक्वल टू आई डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है, आई डी ओमेगा बाई डी टी, राइट? चलिए, अच्छा, इफ दिस टॉर्क, मतलब दिस इज ऑब्वियसली नेट टॉर्क, सो इफ नेट टॉर्क इज जीरो देन एल इज कॉन्स्टेंट, दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो टॉर्क को बेसिकली आप जो बेसिक लिखते थे, जैसे हम लिखते थे कि फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, वैसे हम लिख सकते हैं टॉर्क इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी, इफ टॉर्क इज इक्वल टू एल इज कॉन्स्टेंट, दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, दिस इज लॉ ऑफ, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल लॉ होती है जब हम खासतौर से एडवांस की जब बात कर रहे होते हैं, एडवांस टाइप के क्वेश्चन की, कंजर्वेशन ऑफ, हालांकि पिछले साल उससे इस साल दोनों साल जेई मेंस में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, राइट? तो ये हो गई न्यूटन की सेकेंड लॉ। इसमें इसके बाद कुछ दो तीन चीज़ें छोटी छोटी और बची हैं कि काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशन जो दी जाती है, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन की जो है, दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और आई किसके अबाउट लिखना है, आई उसी एक्सिस के अबाउट लिखना होता है जिसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है, ठीक है? सो ऐसा नहीं है कि आपको जिसके अबाउट पता है उसके अबाउट लिखेंगे, ठीक है? आई अबाउट एक्सिस विच इट इज रोटेटिंग, ठीक है? कई बार ऐसा है कि हमें पता है कि भैया रॉड का हमें पता है कि एम एल स्क्वायर बाई 12 है, तो ऊंचाई एंड से रोटेट कर रही हो तब भी हम एम एल स्क्वायर बाई 12 ही लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई, जिसके अबाउट रोटेट कर रही है उसके अबाउट ही लगाएंगे, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद जो है वर्क डन बाई टॉर्क, ठीक है, तो वर्क डन बाई टॉर्क क्या है, तो वर्क डन बाई टॉर्क डब्ल्यू जो है दैट इज इंटीग्रल टाओ डी थीटा, ठीक है, दैट इज इंटीग्रल टाओ डी थीटा, राइट? सो अब हमारा फार्मूलों की फेरेस्ट ऑलमोस्ट खत्म होने जा रही है। सिमिलरली पावर डिलीवर्ड बाय टॉर्क क्या है, पावर डिलीवर्ड बाय टॉर्क पी इज इक्वल टू, लीनियर मैकेनिक्स में क्या होती है, एफ डॉट बी, है ना, पिछले वेबिनार में मैंने काफी क्वेश्चन कराए थे जो जेई मेंस में भी आए हुए थे, ऐसे ही यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग टाओ डॉट ओमेगा, ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं टाओ डॉट ओमेगा, राइट? तो ये हो गई बात हमारी किसकी, पावर डिलीवर्ड बाय टॉर्क की, राइट? अब हम बात करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम इन रोटेशन, वर्क एनर्जी थ्योरम इन रोटेशन, तो वर्क एनर्जी थ्योरम इन रोटेशन की हम बात कर रहे हैं, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ठीक है, एंड टॉर्क्स ऑब्वियसली इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन भी लेनी है और काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल भी लेनी है। पहले जब हम लीनियर मैकेनिक्स में इस चीज को कर रहे थे तो हम वर्क डन सिर्फ किसका लेते थे, फोर्सेस का लेते थे, और एनर्जी चेंज कौन सी लिखते, ट्रांजिशनल एनर्जी चेंज लिखते थे, ठीक है? लेकिन जब हम इसमें कर रहे होते हैं, रोटेशन में कर रहे होते हैं, तो पहली बात कि हम वर्क डन बाय फोर्स टॉर्क दोनों लिख रहे होते हैं, और जो एनर्जी चेंज है वो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों लिख रहे होते हैं, राइट? तो ये चीज़ जो है ये थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है नोट करने के लिए, ठीक है? तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं और फटाफट न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं कि जो लीनियर मैकेनिक्स में होता है वही एंगुलर मैकेनिक्स में होता है। लीनियर मैकेनिक्स में एक बार हम छोटा सा कंपैरिजन चार्ट बना लेते हैं फटाफट एक मिनट के अंदर अंदर, ठीक है? और लीनियर मैकेनिक्स में लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, वहाँ पर एस होता है, यहाँ पर थीटा होता है, वहाँ पर वी होता है, यहाँ पर ओमेगा होता है, वहाँ पर ए होता है, यहाँ पर अल्फा होता है, वहाँ पर मास एम है, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, ठीक है, वहाँ फोर्स एफ है, यहाँ पे टॉर्क टी है, वहाँ लीनियर मोमेंटम पी है, यहाँ एंगुलर मोमेंटम
एल है, वहाँ एफ इज इक्वल टू एम ए है, यहाँ टाओ इज इक्वल टू आई अल्फा है, वहाँ एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी है, यहाँ पे टाओ इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी है, ठीक है, वहाँ पे पी इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी है, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई ओमेगा है, ठीक है, वहाँ पे पावर जो है कैपिटल पी एफ डॉट वी है, यहाँ पे जो पावर है वो टाओ डॉट ओमेगा है, ठीक है। तो आप देखते जाओ कि सारी चीज़ें ना बिल्कुल वैसे ही चल रही हैं जैसे लीनियर मैकेनिक्स में चल रही हैं, तो थोड़ा सा सोचना है साथ साथ कि कब कैसे इसको अप्लाई करें, ठीक है। तो सारे मतलब मोस्ट मैक्सिमम कंटेंट क्वांटिटीज मैंने यहाँ पे बात आपसे कर ली, ठीक है। चलिए तो अब और ज़्यादा समय ना लगाते हुए आप सबकी स्क्रीन पे 2020 का ही जनवरी का 7 जनवरी मॉर्निंग का क्वेश्चन जो है आप सबके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए पॉइंट एल बाई 4 अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रॉड एंड परपेंडिकुलर टू इट। ये देखिए इतना कितना इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि कोई बच्चे ने अगर जेई की तैयारी नहीं भी करी होगी तो और स्कूल में सिर्फ पढ़ाई करी हो तो भी वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो ये तो सेंटर से पास होने वाली एक्सेस हो गई हमारी, ठीक है, और ये एक्सेस हो गई जो उसके उससे एल बाई 4 डिस्टेंस दूर है, ये डिस्टेंस जो है ये एल बाई 4 है, ये सेंटर ऑफ मास हो गया, ये वो पॉइंट हो गया पी जिसके अबाउट ये एक्सेस पास कर रही है, ठीक है। सो आई पी इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम इंटू डिस्टेंस कितना है बेटा एल बाई 4, ठीक है, डिस्टेंस जो है एल बाई 4, तो एल बाई 4 का होल स्क्वायर, सी तो आई पी इज इक्वल टू आई सी एम हो गया मेरा एम एल स्क्वायर बाई 12 सेंटर के अबाउट है प्लस एम एल स्क्वायर बाई 16, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं और हम सब ये जानते हैं कि रेडियस ऑफ जायरेशन कैसे निकाला जाता है, कि किसी भी चीज़ का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई उसको अगर हम एम के स्क्वायर के बराबर रख दें तो के जो है अंडर रूट आई बाई एम यही उसका रेडियस ऑफ जायरेशन होता है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें आई पी को तो आई पी मेरा क्या है एलसीएम आ जाएगा 48 और 4, और इसको आप सॉल्व कर लीजिए आगे, है ना, तो 4 ml² प्लस 3 ml², तो बेसिकली ये आ गया मेरा 7 ml² बाई 48, ठीक है, और इसको मैं किसके बराबर रख दूँ, इसको मैं एम के स्क्वायर के बराबर रख दूँ तो मेरा के जो आता है वो आता है एल अंडर रूट 7/48, तो ये मेरा आंसर आ जाता है। सरल क्वेश्चन है, सबको मुझे लगता है 4 नंबर इसमें मिलने चाहिए अगर 2020 में जुलाई में अगर एग्ज़ाम होता है तो उसके अंदर आता है, आएगा जरूर, क्योंकि जेई मेंस में आपको मैं पैटर्न दिखा चुका हूँ पिछले दोनों अपने सेशंस में कि कितना क्लोजली वो फॉलो करते हैं एक सेशन के क्वेश्चंस दूसरे सेशन में, है ना, तो दिमाग का खर्चा बिल्कुल नहीं करते हैं, है ना, वो कहते हैं कि मिनिमम दिमाग खर्च करना चाहिए हमें। इस पर देखते हैं, ये तो हमारे लिए थोड़ा सा डिस्कशन करना है इस पर, यही बात मैंने आपसे शुरू में की थी कि कैसे हम निकालेंगे। कह रहा मास पर यूनिट एरिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस ए डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस एज, ये आपको दे रखी है सरफेस डेंसिटी, ठीक है, रो आर, रो एज ए फंक्शन ऑफ आर इज इक्वल टू ए प्लस बी आर, राइट, तो दिस इज सरफेस मास डेंसिटी, ठीक है, मास पर यूनिट एरिया, ठीक है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट इज एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकालना है, ठीक है। तो अब हमने एक डिस्क ले ली, देखो ध्यान, हम इस तरीके के ना, आप देखो 2019 में और 2020 में कितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, बड़े सारे क्वेश्चन आए हैं, तो इसलिए हम इसको जरा ध्यान से करेंगे। ये हमने एक सर्कुलर डिस्क ले ली, ठीक है, और अब इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू दिस सेंटर ओ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक रिंग कंसिडर कर लेंगे, इसके अंदर एक छोटी सी रिंग कंसिडर कर लेंगे, ये एक रिंग ले ली हमने, ठीक है, और इस रिंग की थिकनेस जो है वो डी आर हो जाएगी, अगर इसका रेडियस आर है तो इसकी थिकनेस जो हो गई वो डी आर ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका मैंने रेडियस ले लिया आर और ये जो थिकनेस है ये ले ली डी आर, राइट, और जो डिस्क का एक्चुअल एरिया एक्चुअल रेडियस है वो मान लेते हैं कि हम कुछ रिंग ऑफ रेडियस है, इसका रेडियस जो है ए, ठीक है, रिंग का रेडियस जो है वो ए है, राइट।
तो अब इस रिंग का हम सब लोग जानते हैं कि रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मास जो है वो डी एम है, इसका मास जो हो गया इस रिंग का, इस रिंग का मास डी एम हो गया, राइट। सो डी आई जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग हो गया वो हो गया डी एम इंटू आर स्क्वायर, राइट। एक रिंग का, रिंग है, इस रिंग का मास कितना हो गया बच्चों, डीएम हो गया, और कितना रेडियस हो गया, आर हो गया। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, डीएम इंटू आर स्क्वायर हो गया, राइट। अब हमें डीएम की वैल्यू लिखनी है, तो डीएम क्या है, डीएम मास है, तो मास क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है। तो इसकी थिकनेस तो है नहीं, तो एरिया इंटू द एरिया ऑफ दिस रिंग, एरिया डेंसिटी, मास डेंसिटी पर यूनिट एरिया, सरफेस मास डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई द एरिया ऑफ दिस रिंग, ठीक है। तो डी एम की जगह पर हम लिख सकते हैं इसमें बेसिकली सिग्मा इंटू, इसका सर्कमफ्रेंस कितना हो गया 2 पाई आर, और इसकी थिकनेस कितनी हो गई डी आर, तो इसका एरिया कितना हो गया 2 पाई आर डी आर, ठीक है। तो सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम लगा देते हैं, सिग्मा की वैल्यू कितनी है भाई, ए प्लस बी आर है, ठीक है। सो डी आई में लिख दिया जाए सब कुछ अब फटाफट, कि ए प्लस बी आर इंटू 2 पाई आर डी आर इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला में आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई जरा सा कर लेते हैं फटाफट। तो आप देखिए, एक तो 2 पाई तो कॉमन ही आ गया है ना, 2 पाई कॉमन आ गया, इसको इंटीग्रल से बाहर निकाल ले रहे हैं। अब अंदर क्या क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है, अब देखिए जरा, ए इंटू आर स्क्वायर डी आर, ए इंटू आर स्क्वायर डी आर प्लस बी इंटू, आप देखिए बी का साथ क्या क्या आ गया, एक आर ये, एक आर ये, एक आर ये, ठीक है। तो ए के साथ भी आर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 2 पाई वाला भी आर एक आएगा, आर क्यूब हो गया, और आर आर स्क्वायर बी आर 4, ठीक है, बी आर टू द पावर 4 डी आर, ये आ गया, ठीक है। अब हमें पूरा अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई लिखना है तो इसको इंटीग्रल करना पड़ेगा, तो हमने इसको इंटीग्रल कर दिया 2 पाई इंटू इंटीग्रल ए आर क्यूब्ड डी आर फ्रॉम 0 to a, फ्रॉम 0 to a प्लस, ठीक है, 2 पाई बी, इस ए भी निकाल सकते थे वैसे बाहर, है ना, तो हम इसमें भी निकाल लेते हैं 2 पाई बी इंटू आर 4 डी आर फ्रॉम 0 to a, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको क्या है मिल जाएगा, यहाँ पे आई इज इक्वल टू 2 पाई इंटू, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ए इंटू स्मॉल ए की पावर 4/4, ठीक है, प्लस 2 पाई तो हमने कॉमन ले लिया है, तो बी इंटू ए टू द पावर 5/5, ए टू द पावर 5/5, राइट। तो इसको आप लोग जो है वो कॉमन वॉमन निकाल लीजिए सब चीज़, तो आपको फाइनली जो आंसर मिल रहा है वो ये मिल रहा है 2 पाई ए 4, वो दिख भी रहा है सबको जो मिल रहा है आंसर, वो है ए बाई 4 प्लस बी ए बाई 5 प्लस बी ए बाई 5, राइट। तो ये जो है हमारा जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हो गया, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आ गया, राइट। तो इस तरीके के बड़े सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो रोटेशन के अंदर आए हुए हैं 2019 में भी और 20 में भी, ठीक है। तो इसको जरा से ध्यान से आप सब लोग रखें, अब आने वाले क्वेश्चंस में भी हम इसको करेंगे, ठीक है। चलिए 2020 में ये 9th जनवरी मॉर्निंग का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं ये क्या कहता है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 3 सॉलिड स्फीयर्स ईच ऑफ मास एम एंड डायमीटर डी आर स्टक टुगेदर सच दैट द लाइन कनेक्टिंग द सेंटर्स फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड डी, आई जीरो बाई आई ए ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ द सेंटर ऑफ एनी ऑफ द स्फीयर्स एंड आई इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। तो एक तो बात ये हो गई कि आई ए क्या है, मतलब उस किसी भी सेंटर, किसी भी ए स्फीयर के सेंटर से पास होने वाला है, तो आई ए अगर मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, आई ए मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए, तो ए का अपना देखिए इन सबका डायमीटर डी है, तो रेडियस कितना हो गया डी बाई 2 हो गया, ठीक है। तो ए का अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया 2/5 एम आर स्क्वायर, तो 2/5 एम आर की जगह हमें लिखना पड़ेगा डी बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस। अब देखिए जो स्फीयर नंबर बी है और स्फीयर नंबर सी जो दोनों स्फीयर हैं, इनका अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इन्हें इन्हें ट्रांसफर करना है कहां पर, ए के सेंटर पे, तो कौन सी थ्योरम यूज होगी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम होगी, तो प्लस, इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में डाल रहा हूं,
टू बाई फाइव एम डी बाई टू स्क्वायर्ड प्लस एम डी स्क्वायर, ये बी का भी हो गया और ये सी का भी हो गया, तो इसलिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टू से मल्टीप्लाई। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट कितने आ गया, ए आ गया, राइट। अब हम ओ के अबाउट देखें, तो अब देखिए आप ओ ए ओ बी और ओ सी तीनों जो हैं वो इक्वल है, ओ ए ओ बी और ओ सी तीनों इक्वल होंगे, ओ ए विल बी इक्वल टू ओ बी विल बी इक्वल टू ओ सी, ठीक है, और ये होना चाहिए, होंगे मेरे हिसाब से डी बाई रूट थ्री, राइट। इसको कुछ बोल देते हैं हम लोग स्मॉल आर, ठीक है, इसको बोल देते हैं कुछ स्मॉल आर। अब ओ के अबाउट देखना है, तो तीनों स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने अबाउट और प्लस इतना डिस्टेंस शिफ्ट करना पड़ेगा किससे, पैरेलेक्सिस थ्योरम से, राइट। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ विल बी इक्वल टू टू बाई फाइव एम डी बाई टू स्क्वायर्ड प्लस एम इंटू डी बाई रूट थ्री स्क्वायर्ड, और ये तीनों स्फीयर के लिए हैं इसलिए ये मल्टीप्लाइड बाई थ्री, ठीक है। और इसका जब हम रेशियो निकालते हैं आई ओ बाई आई ए, तो मैं यहाँ पे सॉल्व तो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सॉल्व करने में तो काफ़ी समय लगेगा, समय हमें इस काम में बर्बाद नहीं करना कि हम प्लस माइनस करें, तो ये आ रहा है 13/23, राइट। सो दिस इज हाउ इट कैन बी डन, तो लिखना जरूरी है, तो सिंपल देखिए सबसे ज्यादा यूज इसमें किसका हुआ, इसमें यूज हुआ पैरेलेक्सिस थ्योरम का, इसमें यूज किसका हुआ, पैरेलेक्सिस थ्योरम का यूज हुआ। और ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतने जबरदस्त याद होने चाहिए कि रात को भी कोई उठाए तो आपको याद रहे, वो आप बोल पाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करा जाए, कह रहा है कि ए थिन सर्कुलर प्लेट ऑफ मास एम एंड रेडियस आर हैज एन डेंसिटी वेरिंग एज रो इज इक्वल टू रो नॉट आर, रो इज इक्वल टू रो नॉट आर, ठीक है। वेयर रो नॉट इज ए कॉन्स्टेंट एंड आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर प्लेट अबाउट एन एक्सिस ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द एज, देखिए बहुत ध्यान से, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द एज इज अल्फा एम आर स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ अल्फा या ए इज, ठीक है। तो सेंटर के अबाउट नहीं निकालनी है, किसके अबाउट निकालनी है, एज से पास होते हुए निकालनी है, तो पहले तो सेंटर के अबाउट ही निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए तो सबसे पहले क्या कंसिडर करें, एक डिस्क हो गई हमारे पास, हमें पता है डिस्क है जिसका मास m है और रेडियस r है, तो हमने एक डिस्क कंसिडर, डिस्क बना ली जिसका मास m रेडियस r हो गया, ठीक है। इसके अंदर फिर हम पिछले क्वेश्चन की तरह क्या करेंगे, एक स्मॉल r रेडियस की जो है रिंग को कंसिडर करेंगे, तो हमने एक स्मॉल r रेडियस की इसके अंदर रिंग को कंसिडर किया, ठीक है। तो इस रिंग का रेडियस हमने r ले लिया और इसकी थिकनेस जो है वो डी आर ले ली, और इस रिंग का मास जो है वो डी एम हो गया, और जो बड़ी रिंग है एक्चुअल जो डिस्क है उसका रेडियस कैपिटल आर, ठीक है। तो इसका जो मास हुआ इस रिंग का वो हुआ रो, रो मतलब रो की वैल्यू डाल देंगे, रो नॉट इंटू आर इंटू टू पाई आर डी आर इंटू टू पाई आर, ठीक है। तो पहले हम मास निकाल लें क्योंकि हमें डिस्क का मास नहीं पता है, तो पैरेलेक्सिस थ्योरम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो जो m हो गया मेरा वो हो गया रो नॉट टू पाई रो नॉट, कॉमन ले लेते हैं, कॉन्स्टेंट है बाहर ले लेते हैं, अंदर r इंटू आर आर स्क्वायर डी आर हो गया, तो आर स्क्वायर डी आर, और कहाँ से कहाँ तक जाएगा ये, ज़ीरो से कैपिटल आर तक जाएगा, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ज़ीरो से कैपिटल आर तक जाएगा। तो m की वैल्यू हो गई टू पाई रो नॉट इंटू आर क्यूब बाई थ्री, एक चीज तो हमें ये मिल गई, ठीक है, मास मिल गया इसका। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं, सो डी आई विल बी इक्वल टू डी एम इंटू आर स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। सो डी आई इज इक्वल टू डी एम की वैल्यू लगा दें विच इज रो नॉट इंटू टू पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। सो डी आई की वैल्यू जो हो गई हमारी वो अब टू पाई रो नॉट बाहर आ गया,
आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर कितना हो गया, आर पावर 4 इंटू डी आर, ठीक है। तो टोटल आई अगर हमें निकालना है तो इसको इंटीग्रल करेंगे, तो हमने इसको इंटीग्रल कर लिया, और कहाँ से कहाँ तक कर दिया भाई, जीरो से कैपिटल आर तक कर दिया। इंटीग्रल कहाँ तक कर दिया, जीरो से कैपिटल आर तक कर दिया। तो ये जो वैल्यू हमें मिल गई, ये वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 2π ρ0 इंटू 2π ρ0 इंटू आर टू द पावर 5/5, इतनी मिल गई, 2π ρ0 इंटू आर की पावर 5/5, ठीक है। अच्छा, अब आप सबको एक बात शायद ध्यान हो कि अगर कोई भी हमारे पास रिंग है, डिस्क है, ये सारे क्या हैं, टू डायमेंशनल लेमिना है, ठीक है, और इसके हमें इसी के प्लेन में कोई भी जो डायमीटर्स हैं, लेट अस से D1 एंड D2, और इसका सेंटर है, ठीक है। तो ये एक थ्योरम सभी को शायद पता होगी, मैं जब भी बोल दे रहा हूँ कि अगर आई नॉट मेरा, फॉर लेट अस से डिस्क की बात करें तो डिस्क की बात ही कर लेते हैं, जो है एम आर स्क्वायर बाई टू है, तो I D1 इज इक्वल टू I D2 फ्रॉम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम विल बी एम आर स्क्वायर बाई फोर, आधा हो जाएगा उसका, ठीक है। और अभी जो हमें जिस एक्सिस के अबाउट ये निकालने के लिए कह रहे हैं क्वेश्चन में, वो कह रहे हैं कि ऐसी एक्सिस होनी चाहिए, मतलब जो इसके एज से पास होती हो और प्लेन की कैसी हो, परपेंडिकुलर, है ना। देखिए फिर से सुन लीजिए क्या कह रहा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर प्लेट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स एज। तो यानी हमें इस केस में तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की जरूरत नहीं है, ये अगले क्वेश्चन में काम आ जाएगा। अभी तो जो है ऐसे परपेंडिकुलर है आपकी कॉपी के प्लेन के, ठीक है, और इधर से शिफ्ट करना है, ठीक है। तो आपके लिए आई, इसको मैं अगर पी पॉइंट बोल दूं, तो आप लिख सकते हो कि आई पी इज इक्वल टू आई ओ प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो एम हमने इसी टाइम के लिए कैलकुलेट किया, सो आई पी इज इक्वल टू आई ओ, आई ओ हमने कितना निकाला है, 2π ρ0 R5/5, 2π ρ0 R5/5 प्लस कैपिटल एम की वैल्यू क्या निकाली है, कैपिटल एम की वैल्यू 2π r0 R³/3, 2π ρ0 R³/3 इंटू आर स्क्वायर, राइट। जिसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो हमें जो कोफिशियंट चाहिए वो हमारा आता है 8/5, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका कोफिशियंट जो आएगा वो आएगा 8/5, राइट। तो इसको सॉल्व करने में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मेरे को लगता है सब लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से, ठीक है। सो 8/5 एम आर स्क्वायर आ जाएगा, तो आई जो हमारा आई पी है वो हमारा आ जाएगा 8/5 एम आर स्क्वायर, ठीक है। एम की वैल्यू हमें डालनी है, राइट। तो आंसर जो हो जाएगा, तो देखिए इसी इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले को जो हम बार बार इंटीग्रेट करके कैलकुलेशन कर रहे हैं कंटिन्यूस मास सिस्टम का, इसका कितना यूज हो रहा है जेई मेन के इक्वेशंस में, राइट। चलिए, तो अच्छा क्वेश्चन था ये, मतलब टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, मतलब ऐसा नहीं इजी नहीं है ना, मतलब आपको समय एग्जाम में प्रेशर होता है, 3 मिनट होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, 2 मिनट होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि तब 30 क्वेश्चन आते थे, 2 मिनट होते थे आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो 2 मिनट में आपकी एक्यूरेशन कैलकुलेशन एक्यूरेट तभी होगी जब आपकी खूब प्रैक्टिस हो और आप इंटीग्रेशन वगैरह में एकदम एक्सपर्ट हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट द गिवन एक्सेस इज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें दे दिया है यहाँ पर 1.5 kg m², 1.5 kg m². इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल जो है वो 1200 जूल है, यानी जो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो गई, ठीक है। 1200 जूल क्या हो गया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन जो अल्फा है वो कितना है, 20 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, अल्फा भी दे दिया है हमें 20 रेडियन पर सेकेंड, राइट। हाउ मच मस्ट बी, सॉरी एंगुलर मस्ट बी अप्लाउड अक्रॉस द एक्सिस फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ, मतलब कितना टाइम तक हमें इसको लगाना पड़ेगा, राइट। तो ओमेगा की वैल्यू हमें निकालनी है बेसिकली, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से ओमेगा हमें कितना चाहिए, तो ओमेगा मेरा हो गया, ओमेगा स्क्वायर अदर हो गया मेरा 2 × 1200 /
1.5, ठीक है, ये ओमेगा की वैल्यू आ गई। अब जो है हम कैसे निकालेंगे कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ये वाला जो ओमेगा हमारा इक्वेशन नंबर वन से आएगा, इस ओमेगा को ओमेगा नॉट जीरो था और अल्फा मेरा कितना हो गया है, अल्फा मुझे 20 दिया हुआ है इंटू टी, ठीक है। तो इसमें अगर आप फीड करोगे वैल्यू यहाँ से ओमेगा निकाल के, ठीक है, तो जो वैल्यू ओमेगा टाइम की आ रही है वो 2 सेकेंड, जो ओमेगा टाइम की वैल्यू आएगी वो 2 सेकंड। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आप सॉल्व करेंगे तो आपको टाइम की वैल्यू जो मिल जाएगी वो 2 सेकंड्स मिल जाएगी। मेरे ख्याल से बहुत इजी है, कुछ खास नहीं है, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं 1.5 को, और उसके बाद फिर आप इसका रूट ले लीजिए तो आपको ओमेगा मिल जाएगा, और फिर आप लगा सकते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा, राइट। तो टाइम आपका आ गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव किया जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, थिन डिस्क ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस कैपिटल आर हैज मास पर यूनिट एरिया। देखिए देखिए देख रहे हो आप एक ही तरीके के कितने क्वेश्चन हैं। आर यू एबल टू सी, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जेई मेन का पैटर्न पकड़ना बहुत सरल है, ठीक है, तो वो बात प्रूव हो रही है बार बार, ठीक है। तो ये जो हमारा ये है यहाँ पर है, ये के आर स्क्वायर है, के आर स्क्वायर, ठीक है। वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ये और ज़्यादा इजी है, मुझे लगता नहीं है कि इसको हमें बहुत ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि मैं 3 क्वेश्चन इस तरीके कर चुका हूँ। बट फिर से मैं आपको बता दूँ, ये डिस्क है, इसके अंदर आप एक रिंग लेंगे जो आर रेडियस की होगी, थिकनेस डी आर की होगी, उस रिंग का आप जो है वो लिख देंगे, ये डी आर हो गया, इस रिंग का मास डी एम हो गया, ठीक है। सो डी आई इज इक्वल टू डी एम इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, एंड डी आई इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर इंटू आर स्क्वायर। सो डी आई इज इक्वल टू सिग्मा की जगह आ गया के आर स्क्वायर, तो ये हो गया मेरा 2 पाई के आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर की पावर 4 इंटू आर, आर की पावर 5 डी आर, राइट, आर की पावर 5 डी आर। सो आई विल बी इक्वल टू 2 पाई के आर की पावर 5 डी आर फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर, सो विच विल बी इक्वल टू 2 पाई के आर 6 बाई 6, राइट। अब इसको मास के टर्म्स में निकालना है, तो मास भी मैंने आपको बता रखा है कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि डी एम इज इक्वल टू ये हो गया मेरा सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर, यानी के आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर डी आर, ठीक है। तो एम जो हो गया मेरा वो हो गया 2 पाई के बाहर आ गया मेरा, और अंदर आपने लगा दिया आर स्क्वायर इंटू आर आर क्यूब्ड डी आर फ्रॉम 0 टू कैपिटल, राइट। तो एम की वैल्यू किस में आ गई, एम की वैल्यू अगर आप देखें तो कितनी आ गई, 2 पाई के आर क्यूब्ड आर की पावर 4 बाई 4, ठीक है। इन दोनों को जो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से आ रही है और जो इक्वेशन नंबर 2 यहाँ से आ रही है, इसको आप अगर लगा के देखेंगे, फिक्स कर देंगे, तो आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आपका 2/3 एम आर स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है, राइट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो ये वही प्रोसेस है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए आप देख सकते हो कि कितनी इंपॉर्टेंस है इस पर्टिकुलर जो है मेथड की, जो इसमें हम लोग बार बार अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फिर 2019 का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है सॉलिड स्फीयर ऑफ मास एम एंड रेडियस आर इज डिवाइडेड इनटू 2 अनइक्वल पार्ट्स, द फर्स्ट पार्ट हैज ए मास ऑफ m1 जो है जो m1 है यहाँ पे m1 की वैल्यू जो आ रही है वो 7m/8 है, यानी ऑटोमेटिकली m2 की वैल्यू जो हो गई वो m/8, ठीक है, ऑटोमेटिकली m2 की वैल्यू m/8 हो गई, राइट, एंड इज कन्वर्टेड इनटू ए यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस 2r, ठीक है। तो जो 7m/8 है इसको किसमें बदल दिया, इसको हमने डिस्क ऑफ रेडियस 2r में बदल दिया, डिस्क ऑफ रेडियस 2r, राइट। द सेकंड पार्ट इज कन्वर्टेड इनटू ए यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, ये जेई मेन में गलती थी लास्ट ईयर, इसके लिए बोनस मार्क्स मिले थे, लेकिन उसमें रेडियस r/2 लेना, ठीक है। तो हमने इसको बदल दिया इसमें स्फीयर में ऑफ रेडियस r/2, स्फीयर ऑफ रेडियस
let I1 be the moment of inertia of the disk about the axis, I2 is the moment of inertia of the sphere about this axis, then I1 upon I2 is given. It's बहुत tough, कुछ भी नहीं है इसमें, simple सा है कि I1 में moment of inertia of disk लगाएंगे और I2 में moment of inertia of sphere लगाएंगे. So I1 कितना हो गया बच्चों, I1 हमारा हो गया 7m/8, कितना होता है into 2r का whole square, mr square by 2 होता है upon 2, ये मेरा I1 हो गया. ठीक है, I2 कितना हो गया, I2 हो गया मेरा 2/5 mr square, so 2/5, m कितना है मेरा m/8 into r square यानी r/2 का. ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए तो I1 अपॉन I2 जो आता है वो 140 आ जाता है. इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो I1 अपॉन I2 जो आएगा वो 140 आ जाएगा. ठीक है, सो ये हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया. देखिए आप देख रहे हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कितना बड़ा वेटेज है जेई मेंस के अंदर, है ना, जिसको हम हल्के में लेते हैं जब हम पढ़ रहे होते हैं कि यार यार ये तो क्या है, बड़े क्वेश्चन आएंगे रोलिंग के इसके उसके, वो नहीं है, सब कुछ आता है. ठीक है, जेई एडवांस में भी ऐसे ही आता है, राइट. चलिए आगे चलते हैं, अभी भी क्वेश्चन की आत्मा नहीं बदली है, क्वेश्चन की आत्मा अभी भी वही है जो चली आ रही है देर से हम जो पढ़ रहे हैं. ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस बी हैज ए होल ऑफ रेडियस ए एट द सेंटर, इफ द मास पर यूनिट एरिया इज गिवन एज, यहाँ पे जो मास डेंसिटी है रो वो हमें दे दी है सिग्मा नॉट बाई आर. ठीक है, देन द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द डिस्क अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर इज. ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि सेंटर में से पास होने वाली डिस्क का के एक्सिस पे से इसका आपको वो निकालना है. ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे हम करते हैं. ये एक डिस्क है, ठीक है, और ये उसके अंदर एक डिस्क है. ठीक है, अब यहाँ पे हम फिर से वही करेंगे, क्या करेंगे कि एक रिंग लेंगे रेडियस आर की और थिकनेस डी आर की. ठीक है, तो रेडियस आर थिकनेस डी आर. ठीक है, तो ये हमें डेटा दिया हुआ है, ये जो है ये ए है, ये ए है. ठीक है, ये जो है ये बी है. ठीक है, ये हमने आर ले लिया है और ये थिकनेस जो हो गई ये हमने डी आर ले ली है और इसका मास जो है वो डी एम है हमेशा के लिए, राइट. हमेशा हम ऐसे ही लेते चले आ रहे हैं, वैसे ही हम लेते रहेंगे. तो डी एम की वैल्यू जो हो गई सभी लोग जानते हैं कितनी हो गई, रो इंटू रो कितना है भाई, सिग्मा नॉट बाई आर इंटू 2πr डी आर. ठीक है, अब सिर्फ डिफरेंस इतना है कि इस बार इंटीग्रेशन 0 से r तक नहीं होना है, इस बार इंटीग्रेशन जो होना है वो a से लेके बी तक होना है, इस बार जो इंटीग्रेशन होना है वो ए से लेके बी तक होना है. तो डीएम की वैल्यू जो हो गई वो हमारी हो गई, आर से आर कैंसिल हो गया, सो 2πσ0 डी आर फ्रॉम ए टू बी. ठीक है, तो ये सॉल्व होके हो गया मेरा 2πσ0 इंटू बी माइनस ए, राइट. एक चीज तो ये, अब जो हम लगाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए वहां पर भी इंटीग्रेशन ए से बी होगा, सो डी आई इज इक्वल टू डी एम इंटू आर स्क्वायर. ठीक है, सो विच इज इक्वल टू रो नॉट बाई आर इंटू 2πr डी आर इंटू आर स्क्वायर, राइट. तो आर से आर कैंसिल हो गया, ये सब कैंसिल हो गया, सो आई जो बन गया मेरा, आई मेरा बन गया यहाँ पे 2πσ0 इंटीग्रल आर स्क्वायर डी आर फ्रॉम ए टू बी, इंटीग्रल हो गया ए टू बी. ठीक है, तो अब ये आप यहाँ पर इसको आई की वैल्यू अगर लिखें तो कितने लिख लेंगे, 2πσ0 इंटू बी क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन 3, राइट. अब जो है आपको क्या लगाना है, आपको वही लगाना है जो हमने आपको पहले बताया था कि आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर लगाना है, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर लगाना है. आपको आई पता है इक्वेशन नंबर 2 से, आपको एम पता है इक्वेशन नंबर 1 से, के स्क्वायर की वैल्यू निकाल दीजिए और के की वैल्यू जो सॉल्व होके आ रही है वो ऑप्शन नंबर सी आ रही है. तो मैं उसमें समय का तो मैंने पहले कहा कि मैं प्लस माइनस में टाइम नहीं लगाऊंगा. ए की के की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बाई 3. आप सभी मेरे को लगता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर्स जानते होंगे. ठीक है,
तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर जानते हैं, तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए माइनस बी सामने दिख रहा है, कैंसिल होता होगा और ये आंसर आता होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऐसे क्वेश्चन डिपिक्शन के क्वेश्चन होते हैं, मैं चाहता हूँ कि जितने लोग को ग्राफ डिपिक्शन अच्छे से आता है वो इनको फास्ट कर सकते हैं और जो है अपना टाइम बचा भी सकते हैं, है ना। ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल इज बीइंग रोटेटेड इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन विद ए कांस्टेंट एंगुलर स्पीड अबाउट एन एक्सिस पासेस थ्रू वन ऑफ इट्स एंड्स। इफ द टेंशन जनरेटेड एट द एंड ड्यू टू द रोटेशन इज टी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एज ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द एक्सिस देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स इट्स मोर क्लोज। तो इस क्वेश्चन को हम कर देते हैं, इसका रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और जो रिजल्ट आएगा उसको फिर देखते हैं कि किस ग्राफ के सबसे करीब आता है। बट ये बहुत ही सुंदर प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि जो भी बच्चे जेई की तैयारी करते हैं वो ऑलमोस्ट इस प्रॉब्लम से को जरूर करते होंगे एक बार। हमारे मॉड्यूल की में क्वेश्चन ये गिवन है पहले से ही, जो क्वेश्चन जो है जेई में। ठीक है, तो ये एक रॉड है अपनी एक्सिस के अबाउट घूम रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, राइट, और इससे हम कुछ एक एक्स डिस्टेंस दूर टेंशन की बात कर रहे हैं, यानी इस जगह पर टेंशन की बात कर रहे हैं, यानी ये जो बचा हुआ है ये एल माइनस एक्स, राइट। तो अब हम इस वाले पोर्शन पे टेंशन देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए कि यहाँ पे जो टेंशन लग रही होगी वो क्या प्रोवाइड कर रही होगी, इस बची हुई रॉड को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर, राइट। तो लेट अस से कि अगर हम मान लें कि रॉड का मास कैपिटल एम है और इसका मास में स्मॉल एम ले लेता हूँ, ठीक है, तो स्मॉल एम क्या हो जाएगा, स्मॉल एम जो हो जाएगा वो हो जाएगा कैपिटल एम अपॉन एल इनटू एल माइनस एक्स, यही हो जाएगा। ठीक है, और ये इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, इस एक्सिस से कितना दूर हो गया ये सेंटर ऑफ मास, इस एक्सिस से सेंटर ऑफ मास जो हो गया आर, जो डिस्टेंस इसकी हो गई सेंटर ऑफ मास की आर, वो हो गई एक्स प्लस एल माइनस एक्स बाई टू, यही हो गई एल प्लस एक्स प्लस एल माइनस एक्स बाई टू, एक्स यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया और इसका सेंटर इसके आधे पर आ गया यानी एल माइनस एक्स बाई टू पर आ गया, यानी टोटल डिस्टेंस जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से हो गई वो कितनी हो गई, एक्स प्लस जो है एल माइनस एक्स बाई टू हो गई, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे जो टेंशन लग रही है वही सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर रही है, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि टी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, राइट। अच्छा, अब एम हमने निकाल लिया भाई, एम हमारा हो गया एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एल माइनस एक्स बाई टू, राइट। चलिए, तो अब हम कुछ कुछ इसमें कर लें तो हमें शायद कुछ आंसर का वेरिएशन पता चल जाए कैसा है। तो t इज इक्वल टू एम बाई एल, तो एक कॉमन आ गया, कांस्टेंट है एल स्क्वायर भी, ये हो गया, यहाँ रहा एल माइनस एक्स, और इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो ये 2x एक्स प्लस एल माइनस टू एक्स, टू एक्स प्लस एल माइनस एक्स, राइट। तो ये हो गया मेरा x प्लस एल यानी एल प्लस एक्स अपॉन टू, राइट। अब सारे बच्चे इसको ध्यान से देखें अगर, तो ये देख सकते हैं कि t जो प्रोपोर्शनल आ रहा है, t जो प्रोपोर्शनल आ रहा है वो एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के आ रहा है, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट नेगेटिव है। एंड फ्रॉम द नॉलेज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे पता है कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट नेगेटिव होगा तो पैराबोला विल बी ओपनिंग डाउनवर्ड्स, तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन है। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कोफिशियंट, ऐसे हम एक साइड में अगर कहें कि कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव सो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स, सो पैराबोला विल ओपन डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर सही हो गया भैया, सी आंसर जो है वो हमारा सही, राइट। तो ये इस तरीके का प्रॉब्लम है, इसमें दो क्वेश्चन आपने एक साथ कर लिए, एक तो आपने कैलकुलेट कर लिया टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स और दूसरा आपने कैलकुलेट कर लिया कि इसका ग्राफ कैसा होगा, राइट। तो ये दो चीजें जो हैं आपने एक ही क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट करी, इसलिए ये क्वेश्चन जो है काफी अच्छा क्वेश्चन माना गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ये सब तो जो है नॉर्मल क्वेश्चन हैं, आपको फॉर्मूले याद हैं तो कोई आपको इसमें हरा नहीं सकता है क्वेश्चन, ठीक है। टू स्फेरिकल आइडेंटिकल स्फेरिकल बाउल्स
of mass capital M and radius capital R are stuck on two ends of a rod of length 2R and mass MC figure. The moment of inertia of the system of the axis passing perpendicular to the center of the rod. So, saral hai. अब आप देख रहे हो कि मतलब कितनी बुरी तरीके से पीछे पड़े हुए हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन के, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, मुझे लगता है इसके बाद जो भी आने वाले एग्जाम में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रॉब्लम आएगा आप सब लोग सॉल्व कर लो, ठीक है। चलिए खैर छोड़िए, तो आप देखिए दोनों स्फीयर को का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम पैरल एक्सिस से रॉड के सेंटर पर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। बट एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें यहाँ पर देखनी है वो ये है कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, ठीक है। तो ये तो r हो गया और ये फिर से 2r हो गया, ये डिस्टेंस फिर से 2r होगा, राइट, क्योंकि r इसका रेडियस और r फिर यहाँ से यहाँ, तो ये जो डिस्टेंस हो गया ये 2r। अच्छा, अब रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अपने सेंटर के अबाउट वो तो 2 by जो स्फीयर का होगा वो तो 2/5 mr² होगा, ठीक है। और इसमें जो एक चीज़ और अच्छी दी हुई है वो ये दी हुई है कि स्टक ऑन ए रॉड ऑफ रॉड का भी मास दिया हुआ है, तो यानी हमें रॉड का भी एम आई कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सबसे पहले रॉड का ही लिख लिया जाए, तो एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है, तो एम बाई 12, एल इसका कितना है 2R है, तो 2R ये रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। प्लस किसी भी स्फीयर को देखोगे तो स्फीयर का अपने सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 2/5 mr², यही है। प्लस वो क्या करा आपने, शिफ्ट कर दिया पैरल एक्सिस से, तो दोनों पैरल एक्सिस के बीच में डिस्टेंस कितना है 2R, सो m इंटू 2R का होल स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाइड बाई 2 क्योंकि स्फीयर कितने हैं 2, ठीक है, दो स्फीयर हैं तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इन सबको आप सॉल्व कर लीजिए, इनको सबको आप सॉल्व करेंगे तो मैं तो नहीं कर रहा एडिशन वगैरह, तो जो हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा 137/15 mr², राइट, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। तो ये आप जो है अपने घर पर बैठ के इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक और क्वेश्चन आपने देखा कि भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ही पकड़ा गया, फिर से एक और क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ही है, क्या करें भाई, सारे क्वेश्चन 2019-20 के ही कर रहे हैं हम, जो क्वेश्चन आए हैं वही करने पड़ेंगे, तो मैक्सिमम जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से है। लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चन अभी बहुत बहुत अच्छे हैं, अभी आने वाले जो क्वेश्चन में करने जाना, आज खूब सारे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, राइट, क्योंकि रोटेशन से खूब सारे क्वेश्चन आए हैं तो हमें खूब सारा चांस मिला है क्वेश्चन करने का, तो आगे भी ये भी खूब सारे क्वेश्चंस हैं और बड़े बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। बस ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म हो गए, अब जो क्वेश्चंस हैं वो बड़े सुंदर सुंदर कॉन्सेप्ट्स पर हैं। एक तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एक दो तो जो टॉर्क का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह कैलकुलेट करा रहा है, राइट। चलिए इसको देखते हैं, तो अब मैं ज़्यादा समय इसलिए नहीं लगा रहा हूँ, इसलिए कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट भी कर रहे हैं। ए सर्कुलर डिस्क D1 ऑफ मास m एंड रेडियस r हैज टू आइडेंटिकल डिस्क D2 एंड D3 ऑफ द सेम मास m एंड रेडियस r अटैच rigidly at its opposite ends. See figure. The moment of inertia of the system about axis xy passing through its center of D1 is shown below. ठीक है, तो D1 जो disk है उसका सबसे पहले उसी का moment of inertia लिख लिया जाए. So I1 will be mr² / 2. Right? ये इसका अपने center के about हो गया और जो axis xy से pass भी हो रहा है. अच्छा, अब D2 D3 का जो है वो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो यही होगा, बट हमें किन एक्सिस के अबाउट चाहिए, हमें ना कुछ ऐसी एक्सिस के अबाउट चाहिए D2 D3 का, ऐसी एक्सिस के अबाउट। तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से कितना हो जाता है बेटा, mr² / 2 / 2, यानी mr² / 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट जो है दोनों का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है मैं लिख दे रहा हूँ I2 = I3, दोनों का ही कितना होगा mr² / 4, और इसको फिर पैरल एक्सिस से यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे, फिर पैरल एक्सिस से इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है r², ठीक है। सो I2 = I3 = mr² / 4 + mr², राइट। सो द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई विल बी हाउ मच, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई विल बी m² / 2 + mr² / 4 + mr² / 2, राइट, क्योंकि दो रिंग डिस्क हैं इसलिए मैंने दो से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसको सॉल्व करके जो हमारा आंसर आ रहा है वो 3 mr²,
ठीक है, तो मैं सॉल्व तो नहीं कर रहा हूँ ऑब्वियसली। एक तो आप सोच रहे हो कि इतने सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन कराना, उसके बाद भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करने लगूंगा मल्टीप्लीकेशन, तो आपको बहुत बोरिंग हो जाएगा राइट। बट दिस इज द ट्रुथ, तो ट्रुथ के साथ रहना होता है कि भाई क्वेश्चन आएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, इस बार भी आएंगे तो करने पड़ेंगे राइट। सो दिस इज द आंसर ठीक है। चलिए आगे चलते है, तो फिर से ये मोमेंट ऑफ एनर्जी का ही क्वेश्चन 2019 का ही है ये भी। तो ये तो सारे पेपर्स आप लोग नेट से डाउनलोड कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट से भी कर सकते हैं www.vidyamandir.com ठीक है। इस पर सारे पुराने जेई मेंस के पेपर अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से भी ये पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है। द मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ ए सॉलिड स्फीयर अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू इट्स डायमीटर एंड एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम इट विच ऑफ द फॉलोइंग कोलैप्स राइट। तो ये तो सिंपल पैरेलल एक्सिस का क्वेश्चन हो गया। I is equal to 2 by 5 mr square plus mx square. So r ये जो I proportional to x square है तो parabola opening upwards हो गया, और दूसरा इसमें ये portion add हो रखा है तो इसलिए graph जो है origin से pass नहीं होगा, origin से थोड़ा ऊपर pass होगा। तो इसका जो actual graph बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इसका एक portion हमें show किया गया है, दोनों portion हमें इसके show नहीं किए गए हैं। तो ये ग्राफ्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि एक साइड दिखा देते हैं तो आप लोग कंफ्यूज होते हैं। तो ये जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बनेगा आई और एक्स राइट। सो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए बन जाता है ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नॉलेज से आप इसको कर सकते हैं राइट। अब हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कार्यक्रम खत्म हुआ, अब दूसरे तरीके के क्वेश्चन करने शुरू करते हैं। तो 2020 का प्रॉब्लम है, ये 2020 का प्रॉब्लम है, और ये जो है 7th जनवरी मॉर्निंग का क्वेश्चन है। 2020 का ही क्वेश्चन है और 7th जनवरी मॉर्निंग का क्वेश्चन राइट। क्वेश्चन कह रहा है एज शोन इन द फिगर ए बॉब ऑफ मास m इज टाइड बाय ए मासलेस स्ट्रिंग हुज अदर एंड पोर्शन इज वाउंड ऑन ए फ्लाई व्हील डिस्क ऑफ रेडियस स्मॉल r मास m व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट द बॉब स्टार्ट्स फॉलिंग वर्टिकली व्हेन इट इज कवर्ड अ डिस्टेंस एट द एंगुलर स्पीड ऑफ द स्प्रिंग। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे ऐसा कहीं पर भी मोशन आपको दिखे पुली पर या किसी और चीज़ पर, तो यहाँ पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का यूज़ करेंगे। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ठीक है। तो हम इस सब में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का जो है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा कि जो ये मास नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस हो रहा है वही इसकी काइनेटिक एनर्जी के में गेन कर रहा है। तो एनर्जी कंजर्व है, यानी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो आप क्या लिखेंगे, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक। पोटेंशियल एनर्जी में लॉस बराबर काइनेटिक एनर्जी में गेन, आप देखते हैं जरा। तो जब ये नीचे चल रहा है MGH, ये नीचे चल रहा है, अब किस किस को काइनेटिक एनर्जी मिली, एक तो इस ब्लॉक को खुद मिली यानी हाफ एम वी स्क्वायर, और एक हमारी पुली को भी मिली ठीक है, एक हमारी पुली को भी मिली। अब देखिए पुली को ना लाइफ में हमेशा याद रखिए कि पुली को क्या माना जाएगा, डिस्क माना जाएगा ठीक है। पुली को क्या माना जाएगा, डिस्क माना जाएगा। तो पुली की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, एम आर स्क्वायर बाई टू, अपने सेंटर से ही हिंज है, इंटू ओमेगा स्क्वायर ठीक है। अब एक चीज़ लिखी हो या ना लिखी हो, हमेशा माननी है कि देर इज नो स्लिपिंग बिटवीन पुली एंड द थ्रेड, देर इज नो स्लिपिंग बिटवीन पुली एंड थ्रेड। इससे जहां कहीं भी इस चीज को इस्तेमाल करें, इसका सीधा मतलब हो गया कि V इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसका सीधा मतलब क्या हो गया कि V इज इक्वल टू आर ओमेगा राइट। तो अब हम इसको रीराइट कर लें, तो रीराइट कुछ नहीं करना है, एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम V की जगह हम लिख देंगे आर ओमेगा स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर बाई फोर ठीक है। तो आप सॉल्व करेंगे तो आपको ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी 1 बाई आर अंडर रूट 4 जी एच बाई राइट। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है राइट। तो इस तरीके की जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं उनको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से किया जाता है राइट।
यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, इसीलिए हमने ये बात नहीं ले पाए हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन होता तो फिर सारी बातें हमारी जो थी वो ख़राब हो जाती, बट वो वैसा प्रॉब्लम आता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए उसकी चिंता करनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2020 का क्वेश्चन फिर से है, और ये 9th जनवरी मॉर्निंग का है। 9 AM मतलब 9th जनवरी मॉर्निंग का क्वेश्चन है। ये कहता है वन एंड ऑफ ए स्ट्रेट यूनिफॉर्म 1 मीटर लॉन्ग रॉड, मैं इसमें पैरामीटर्स ले ले रहा हूँ, एल इज इक्वल टू 1 मीटर, इज पिवटेड ऑन ए टेबल, इट इज रिलीज फ्रॉम रेड व्हेन इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल सी फिगर, ठीक है। द एंगल ऑफ स्पीड व्हेन इट हिट्स द टेबल इज गिवन एज अंडर रूट एन मीटर पर सेकंड, वेयर एन इज एन इंटीजर, द वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। ये वाले प्रॉब्लम भी कैसे करे जाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। इसका दूसरा भी तरीका है, फोरस्टॉक मेथड भी है, उस मिटिगेशन करना पड़ता है। मैं उस मेथड को अवॉइड करता हूँ हमेशा, जब भी मैं अपने बच्चों को अपने क्लास में भी पढ़ाता हूँ तो मैं ऐसे चीज़ों को अवॉइड करता हूँ हमेशा। तो हम जो लेंगे, हम यहाँ पे फिर से क्या करेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ही यूज़ करेंगे, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे देखिए ज़रा। ये रॉड जब गिरी नीचे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ। अच्छा, अब आप एक और बड़ी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने पिछले वाले वैसे वेबिनार में भी ये बात तो बता दी थी कि क्या होता है कि जब हम किसी रिजिड बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं तो हमेशा उसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन देखी जाती है, ठीक है। तो ये एंगल जो है 30 डिग्री है, हमारा थीटा है, हम 30 वर्टी इसको बाद में देखेंगे। ये हमारा सेंटर ऑफ मास इसका होगा, ठीक है। तो ये गिर के यहाँ पहुँचा, ये लेंथ जो थी मेरी L/2 हो गई, ये लेंथ जो है हमारी L/2 हो गई। तो ये जितना नीचे गिरा, ये जो गिरा नीचे ना, ये वाला, ये हो गया मेरा L/2 साइन थीटा, ये मेरा हो गया L/2 साइन थीटा, राइट। तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कितना हुआ, तो डेल्टा पी हो गया मेरा mg इंटू L/2 साइन थीटा, राइट। अच्छा, और डेल्टा के ई कितना हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा के ई कितना हो गया मेरा, डेल्टा के ई क्या होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। डेल्टा के ई क्या होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब ध्यान रखो, सेशन के शुरू में, आज के वेबिनार के शुरू में मैंने आपको बताया था कि आई हमेशा उस पॉइंट के अबाउट लेंगे जिसके अबाउट क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, राइट। तो यहाँ रोटेशन जो हो रहा है वो इस हिंज के अबाउट हो रहा है, ठीक है। तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एंड कितना होता है, ML² / 3 होता है, ठीक है। सो डेल्टा के ई विल बी हाफ आई, आई को हमने लिख दिया ML² / 3 इंटू ω², ठीक है, इंटू ω², ठीक है। अब हम क्या करें, इन दोनों को इक्वेट करना है। तो हमने कर दिया भाई mg इंटू L/2 इंटू साइन थीटा, साइन 30 है, वो भी 1/2 हो गए, इज इक्वल टू ML² / 6 इंटू ω², ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको जो वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट की, वो 50, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऐसे प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं। हिंज है तो इसलिए और कोई इसमें मूवमेंट नहीं होगा, ये वहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है यूनिफॉर्मली थिक व्हील हैज ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल आई एंड रेडियस कैपिटल आर, इज फ्री टू रोटेट अबाउट द सेंटर ऑफ मास सी फिगर, ए मासलेस स्ट्रिंग रैप्ड ओवर द रिंग एंड टू ब्लॉक्स ऑफ मास m1 एंड m2, m1 greater than m2 लिखा जैसे ही हमने, इसका साफ मतलब क्या हो गया कि ये ब्लॉक जो है नीचे जाएगा और ये ब्लॉक जो है ये ऊपर चलेगा, ठीक है। तो m1 इज ग्रेटर देन अटैच्ड टू द स्ट्रिंग, द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, द एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील व्हेन m1 डिसेंड्स बाय ए डिस्टेंस h इज, ठीक है, व्हेन m1 डिसेंड्स बाय ए। तो जो टोटल चेंज इन एनर्जी होनी चाहिए वो जीरो होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम कंजर्वेशन एनर्जी का कर रहे हैं। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि टोटल चेंज इन एनर्जी शुड बी जीरो, टोटल चेंज इन एनर्जी शुड बी इक्वल टू, राइट। अब क्या क्या एनर्जी में चेंज हुआ, m2 की तो एनर्जी में गेन हुआ, m2 की एनर्जी में तो गेन हुआ, तो कितना हुआ भाई m2 gh, m1 के में लॉस हुआ यानी माइनस m1 gh, राइट। दोनों को क्या मिली, दोनों को मिली काइनेटिक एनर्जी। तो ये तो
अब दोनों को काइनेटिक एनर्जी मिली, यानी इनिशियल जीरो थी और फाइनल कितनी होगी भैया, हाफ एम वन वी स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी स्क्वायर, ठीक है। और किसको काइनेटिक एनर्जी मिली, और पुली को मिली, तो प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर शुड बी इक्वल टू जीरो, राइट। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एंगुलर स्पीड ऑफ द वी, ठीक है। तो ओमेगा हमारा हो गया। अब मैंने आपको बता रखा है कि पुली के लिए हमेशा आई को क्या लगाइए, पुली के लिए हमेशा आई को आप एम आर स्क्वायर बाई टू, पुली के लिए हमेशा आप आई को क्या लगाएंगे, एम आर स्क्वायर बाई टू, आपने एम आर स्क्वायर बाई टू लगा दिया पुली के लिए, ठीक है। और इसमें वैल्यू को फीड कर दीजिए तो आपको यही आंसर मिल जाएगा जो ऑप्शन नंबर थ्री दिया गया है, यानी ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ एम वन माइनस एम टू इंटू जी एच अपॉन एम वन प्लस एम टू इंटू आर स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अच्छा, और एक और बड़ी बात जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी करी थी कि स्लिपिंग नहीं है, नो स्लिपिंग, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा लिखा हो या ना लिखा हो। तो नो स्लिपिंग के लिए v इज इक्वल टू क्या होगा बेटे, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो यहाँ पे जो v आ रहा है उसको क्या लगा दिया जाएगा, आर ओमेगा लगा दिया जाएगा, राइट। तो ये भी एनर्जी कंजर्वेशन पे आप प्रॉब्लम आपकी बन गई, राइट। चलिए 2019 के क्वेश्चन पर फिर से आ रहे हैं। ए स्टेशनरी हॉरिजॉन्टल डिस्क इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस व्हेन अ टॉर्क इज अप्लाइड ऑन इट, काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ थीटा इज द मेड बाय व्हिच इट इज रोटेटिंग इन एस के थीटा स्क्वायर, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई देन द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क। बट ध्यान से सुनिए, ये थोड़ा सा ना ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन बड़ा सरल है, बहुत सरल है, ठीक है, बट जैसे ध्यान से पढ़ने वाला है कि काइनेटिक एनर्जी इसकी जो है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो दी जा रही है इसको के थीटा स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी क्या दी जा रही है, के थीटा स्क्वायर, यानी मैं कह सकता हूँ कि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के थीटा, राइट। और हमें इसका क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका अगर आई है तो हमें एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। तो मैं इस इक्वेशन को दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देता हूँ, मैं इस इक्वेशन को दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देता हूँ। तो मैंने डिफरेंशिएट किया तो क्या मिल गया, हाफ आई इंटू टू ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी टी इंटू टू ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू थीटा स्क्वायर डिफरेंशिएशन टू थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। अच्छा बेटे, अब डी थीटा बाई डी टी और ओमेगा एक ही बात हो गई, तो डी थीटा बाई डी टी और ओमेगा जो है कट गया यहाँ पे, ठीक है, और इस टू से ये टू भी कट गया, राइट। तो अब हमारे पास क्या बचा, आई अल्फा इज इक्वल टू टू के थीटा, सो अल्फा मेरे लिए क्या हो गया, अल्फा मेरे लिए हो गया टू के बाई आई इंटू थीटा, राइट। तो कुछ खास नहीं है क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर डी दिख गया आपको सामने, बस खास यही है कि हम इस इक्वेशन को लिख लें और हमारे दिमाग में ये बात आ जाए कि हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। अगर हमारे दिमाग में डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो उसको करना टफ हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी जो है और 2019 का ही है। एथेर स्मूथ रॉड ऑफ लेंथ एल एंड मास कैपिटल एम इज रोटेटिंग फ्रीली विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, राइट। Two beads of mass small m and negligible size are at the center of the rod initially. ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत सारे करे होंगे, जैसा ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत सारे करे होंगे, ठीक है। Initially, the beads are free to slide along the rod. The angular speed of the system when the beads reach the opposite end of the rod will be, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे आप देखिए तो क्या है कि एक रॉड है आपके पास, मैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन बना ले रहा हूँ, ठीक है। ये एक रॉड है, ठीक है, ये इसकी एक्सेस है, ये रॉड की एक्सेस है, ठीक है, और ये इसके अंदर दो बीड्स हैं, ये एक बीड है, ये एक बीड, ये शुरू की पोजीशन है। बाद में क्या हुआ है कि ये रॉड है, ठीक है, एक्सेस तो ऑब्वियसली यही रहेगी, राइट, और जो बीड है, एक बीड यहाँ पहुँच गई है और एक बीड, तो अब ये हमसे पूछ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन सभी लोग जानते होंगे कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, ये प्रॉब्लम जो है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन
ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। यानी आप कह सकते हो शॉर्ट में कि आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू, राइट। अच्छा, अब आई वन लिख रहे हैं, आई वन लिख रहे हैं तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया भैया हमारा एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व, ठीक है, इन टू ओमेगा वन ओमेगा नॉट, ठीक है। उस समय पर बीड का कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा क्योंकि बीड जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है, उससे जीरो डिस्टेंस पे है, इसलिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कितना होगा, जीरो ही होगा, ठीक है। इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू, तो आई टू कितना हो गया, तो आई टू तो यही रहा भाई रॉड का, तो क्या रहा, एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व, ठीक है, प्लस अब जो छोटी वाली बीड है एम, उसका डिस्टेंस कितना है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, एल बाई टू, सो एल बाई टू का इसका हो गया, और दो बीड है इसलिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया, टू से मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको हम जब सॉल्व करेंगे और इस समय ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, इसको सॉल्व आप करोगे तो आपको मिल जाएगा एम ओमेगा नॉट अपॉन एम प्लस सिक्स, एम ओमेगा नॉट अपॉन एम प्लस सिक्स। इस तरीके के बड़े सारे क्वेश्चन आपने करे होंगे कि एक एक रिंग है उसके ऊपर दो बीड है ना, एक डिस्क है उसके ऊपर दो मास हैं, स्लॉट से चल के उसके एंड तक पहुँच जाते हैं, तो इस तरीके के खूब सारे क्वेश्चन जो हैं ऑलरेडी हमारी किटी में रहते हैं जब हम तैयारी कर रहे होते हैं जी, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे क्वेश्चन आया। फिर से क्वेश्चन जो है 2019 का ही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एंड गिवन एक्सिस, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो आई इसमें दे रखा है हमें, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है, सही हमने करा है, जहाँ पर मुझे ध्यान है, ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी और फिर हम ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी लगा देंगे, ठीक, ओमेगा नॉट जीरो है और अल्फा जो है हमारा 20, ये मैंने शायद आज ही करा है अभी सेशन के स्टार्टिंग में, तो इसको हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो टाइम जो है यहाँ पे 2 सेकंड रह जाएगा, फिर शायद दो बार पेस्ट हो गया, ठीक है, टाइम जो है 2 सेकंड, राइट। चलो आगे चलते हैं, फिर से 2019 का ही क्वेश्चन है, पार्टिकल ऑफ मास एम इज मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो एक्स जो है हमें दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस अल्फा कॉस ओमेगा वन, ये तो एक्स की वैल्यू होगी, ठीक है। फिर y हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू y नॉट प्लस b साइन ओमेगा टू, ठीक है, तो x और y हमें दे दिए। अब हमसे पूछा है द टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल अबाउट द ओरिजिन एट t इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अगर हम पहले तो ये लिख लें कि भैया ये क्या होगा, t इज इक्वल टू जीरो पे r1 के r वेक्टर क्या होगा हमारा, तो r सभी लोग जानते हैं कि r जो होगा वो होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। हम टी इज इक्वल टू जीरो में लिखें तो सब लोग को पता है कि कॉस जीरो वन होता है और साइन जीरो जीरो होता है ना, तो अगर मैं इस वैल्यू को लिख दूँ तो मेरे लिए आर वेक्टर हो गया एक्स नॉट प्लस अल्फा, एक्स नॉट प्लस अल्फा आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप, ठीक है, तो हमें रिड्यूस करना है। अब फोर्स लिखना है तो फोर्स के लिए हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पहले अगर वी लिखें तो वी मेरा हो गया डी एक्स बाई डी टी, तो एक्स नॉट चला गया हमारा, एक्स ये मेरे को मिल गया माइनस अल्फा ओमेगा वन साइन ओमेगा वन टी, ठीक है, वी वन हो गया ये, या वी एक्स हो गया अगर, ठीक है। और अगर वी वाई लिखना है तो हम लिख सकते हैं b ओमेगा 2 cos ओमेगा 2 t, ठीक है, ये vy हो गया मेरा। सिमिलरली हम ax और ay भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो हम इसको फिर डिफरेंशिएट कर दें, तो ax मेरा हो गया माइनस अल्फा ओमेगा 1 स्क्वायर cos ओमेगा 1 t, और ay मेरा हो गया माइनस b ओमेगा 2 स्क्वायर sin ओमेगा टू टी, राइट। तो जो एक्सेलरेशन वेक्टर हो गया वो हम एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट मिला के बना सकते हैं, और फोर्स जो है मास इनटू वो लिख देंगे, ठीक है। तो जो मेरा फोर्स वेक्टर बना वो कितना बन गया, मेरा फोर्स वेक्टर जो बना वो बन गया मेरा माइनस एम अल्फा ओमेगा वन स्क्वायर कॉस ओमेगा वन टी आई कैप माइनस एम बी ओमेगा टू स्क्वायर साइन ओमेगा टू टी,
राइट, ये मेरे फोर्स और ये आ गए। अब हम सभी को पता है कि टॉर्क जो होती है वो आर क्रॉस एफ, हम सब लोग जानते हैं कि टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है, ठीक है। उसको आप अप्लाई करिए और आपको ये मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि हम सब ये भी जानते हैं कि आई क्रॉस आई जीरो होता है, जे क्रॉस जे जीरो होता है, और आई क्रॉस जे के होता है, और जे क्रॉस आई माइनस के होता है। तो उसका प्रयोग करते हुए हमें यहाँ पे मिल रहा है माइनस एम वाई नॉट अल्फा ओमेगा वन स्क्वायर के, राइट। तो ये हमारा आंसर होता है, ठीक है। तो ये मतलब बात वही पूछी है पर थोड़ी सी घुमा दी है, राइट। चलो तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को कर लेंगे। 2019 का एक और प्रश्न देखते हैं, ये क्या पूछता है। ये कह रहा है कि द टाइम डिपेंडेंस ऑफ द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज इक्वल टू टू इज गिवन बाई, पोजिशन वेक्टर यहाँ पर भी दे दिया हमें, पोजिशन वेक्टर की जो वैल्यू है वो है टू टी आई कैप माइनस थ्री टी स्क्वायर जे कैप, माइनस थ्री टी स्क्वायर जे कैप, ठीक है। टू टी आई कैप माइनस थ्री टी स्क्वायर जे कैप, द एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन एट टी इज इक्वल टू टू इज, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो आर क्रॉस एम भी होता है, सभी को पता है। अब हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी वेक्टर मेरा हो गया डी आर बाई डी टी, वेलोसिटी वेक्टर हो गया मेरा डी आर बाई डी टी। तो मैं इसको अगर डिफ्रेंशिएट करूँ तो मुझे मिल जाएगा टू आई कैप माइनस सिक्सटी जे कैप, ठीक है। और वो भी मेरे से पूछ रहा है एट टाइम टी इज इक्वल टू टू, ठीक है। सो वेलोसिटी एट टी, ये टी इज इक्वल टू टू, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू टू मेरे लिए हो गई है, हमारे लिए हो गई टू आई कैप माइनस ट्वेल्व जे कैप, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम वेक्टर कितना हो गया, मास क्योंकि इसका टू है तो वो हो गया फोर आई कैप माइनस ट्वेंटी फोर जे कैप, राइट। और r d एट t इज इक्वल टू टू देखें तो कितना हो गया, r एट t इज इक्वल टू टू मेरा हो गया टू टू जब फोर आई कैप माइनस फोर थ्री जब ट्वेल्व जे कैप, राइट। ये हो गया, और अब हमें जो है लगा देंगे L इज इक्वल टू आर क्रॉस एम बी। तो इसको लगाने के बाद हमें L की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 48 के, राइट। फिर से वही बात ध्यान रखनी है कि I क्रॉस I जीरो है, J क्रॉस J जीरो है। मुझे लगता है सबको पता होगा, मैं फालतू में बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। I क्रॉस I जीरो होता है, J क्रॉस J जीरो होता है, I क्रॉस J माइनस के होता है ना, I क्रॉस J के होता है, और J क्रॉस I माइनस के होता है। इसी को हमें बेसिकली ध्यान रखना होता है जब कभी भी वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं, राइट। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये भी 2019 का प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चंस आज की फहरिस्त काफ़ी लंबी थी, है ना, बट ये आपको बेनिफिट करेगी क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन नॉर्मली हम लोग एक साथ नहीं करते हैं, ठीक है। तो ए मेटल कॉइन ऑफ मास 5 ग्राम एंड रेडियस 1 सेंटीमीटर, तो मास हो गया भाई हमारा 5 ग्राम, रेडियस हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर, is fixed to a thin stick AB of negligible mass as shown in the figure. The system is initially at rest, तो omega not zero है, ठीक है। The constant torque that will make the system rotate about AB at 25 rotation per second in 5 seconds is close to, ठीक है। तो टॉर्क निकालना है और इनडायरेक्टली अल्फा पूछा है, ठीक है। टॉर्क निकालना है और इनडायरेक्टली अल्फा पूछा है क्योंकि टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या कराना है, हमसे कह रहा है कि 25 रोटेशन पर सेकंड इन 5 सेकंड्स, ठीक है। तो ओमेगा निकाल लें, तो ओमेगा 25 रोटेशन पर सेकंड है, तो सीधा सीधा हम 25 को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये मेरा 50 पाई रेडियन पर सेकंड, ये मेरा 50 पाई रेडियन पर सेकंड, राइट। अच्छा, अब हम कहेंगे कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, क्योंकि टॉर्क कांस्टेंट है, इसका मतलब अल्फा कांस्टेंट है, ठीक है। तो 50 पाई इज इक्वल टू जीरो प्लस 5 सेकंड है, तो 5 अल्फा, यानी अल्फा जो खुद हो गया वो हो गया 10 पाई रेडियन पर सेकंड, अल्फा जो हो गया वो हो गया 10 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, राइट। अब हम ये जानते हैं कि हमें टॉर्क पूछ रहा है हमसे, तो टॉर्क जो होगा वो आई इंटू अल्फा होगा। अब हमें आई निकालना है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, आई निकालना है, अल्फा हम निकाल चुके हैं, राइट। सो आई निकालेंगे, तो आई के लिए सिचुएशन देखते हैं कैसी है इसकी।
ये जो कॉइन है ये कह रहा है, फिर से देख लेते हैं, कॉइन ऑफ मास 5 ग्राम एंड इट इज 1 सेंटीमीटर इज फिक्स्ड टू अ थिन स्टिक ए बी ऑफ नेगलिजिबल मास एज शोन इन द फिगर द सिस्टम इज इनिशियली एट रेस्ट विल रोटेट अबाउट ए बी, यानी इस एक्सिस ए बी एक्सिस के अबाउट हमें इस कॉइन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। तो सबसे पहली बात कि भाई इस कॉइन का जो इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, ठीक है, ये डिस्क है, कॉइन तो डिस्क हो गया, इसका इस एक्सिस के अबाउट जो मैंने अभी आपको बताया था कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई 4 होता है ना, पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस होता है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आर होगी, राइट। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मेरा हो गया वो हो गया एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम आर स्क्वायर, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब जब आप इसमें वैल्यू फीड करेंगे टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा लगाने के लिए, तो मास की वैल्यू जो रखेंगे वो 5 ग्राम है, तो ये 5/1000 हो जाएगी, 5/1000 केजी हो गई, और रेडियस जो मेरा हो गया वो 1/100 मीटर, राइट। तो इसकी वैल्यू आप फीड करते हैं तो आपको जो है टॉर्क की वैल्यू जो यहाँ पर मिलती है वो मिलती है 2×10^-5 न्यूटन मीटर, 2×10^-5 न्यूटन, राइट। तो ये भी ठीक सही क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि मतलब जेईई मेन डिजर्व करता है ऐसे क्वेश्चन, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन देखा जाए, ये भी 2019 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन कहता है कि स्मूथ वायर ऑफ लेंथ 2 पाई आर इज बेंट इनटू ए सर्कल एंड कैप्ड इन ए वर्टिकल प्लेन, ए बीड कैन स्लाइड स्मूथली ऑन द वायर, राइट, व्हेन द सर्कल इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट द वर्टिकल डायमीटर ए बी एज शोन इन द फिगर, द बीड इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द सर्कुलर पोर्शन ऑफ द रिंग पी एज शोन इन द फिगर, द ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल, राइट। देखा जाए जरा इसके डायग्राम वगैरह बना के देखे जाए कि किस तरीके से क्या हो रहा है। तो ये एक रिंग है, राइट, और इस रिंग में यहाँ पे एक पॉइंट पी है, इस जगह पर एक पॉइंट पी है, ठीक है, और ये जो पॉइंट पी है, ये जो पॉइंट पी है, ये जो एक्सिस जो इसकी सर्कल के सेंटर से पास होती हुई जा रही है, ये वाली यहाँ से ये आर बाई टू डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस जो इसकी है ये है आर अपॉन टू, राइट, देखो ध्यान से फिगर में आर अपॉन टू, ठीक है। अब यहाँ पे ये रेस्ट पर है, तो इसका अगर हम एफबीडी ड्रॉ करें, इसका अगर हम एफबीडी ड्रॉ करें तो एक तो देखिए इसका मास एम जी डाउनवर्ड्स आ जाएगा, राइट, और एक नॉर्मल रिएक्शन जो होगी जो सेंटर से पास करेगी बेसिकली वो ऐसे एम आ जाएगी, राइट, ऐसी होगा, और इसका सेंटर से पास करेगी क्योंकि आपको पता है नॉर्मल इन सर्कल ऑलवेज पास होगा सेंटर, मतलब ये टू द स्केल डायग्राम नहीं है बट इसको आप देख सकते हो ऐसे, ठीक है। तो ये वाला जो पी सी डिस्टेंस है ये आर हो गया, राइट, अच्छा इस एंगल को हम थीटा ले ले रहे हैं, तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक इधर आ गया, ये मेरा हो गया एन साइन थीटा, और एक सेंटर की तरफ चला जाएगा, तो ये डिस्टेंस हो गया मेरा एन कॉस थीटा, ठीक है। तो एन कॉस थीटा तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, और एन साइन थीटा जो है वो एम जी को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो एक तो हम ये लिखते हैं कि एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, और दूसरी बात ये हो गई भाई कि एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर बाई, राइट, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू जी अपॉन या टू जी अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे लिए ओमेगा स्क्वायर हो गया टू जी अपॉन, ठीक है, 2g/m की वैल्यू तो कट गई, सॉरी m नहीं रहेगा यहाँ पे, m तो कैंसिल हो गया है, सो m विल नॉट बी हियर, m मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, 2g/d ओमेगा स्क्वायर r, सॉरी ओमेगा स्क्वायर भी हट गया क्यों मैं भी छुट्टी कर रहा हूँ, r tan थीटा, राइट, r tan थीटा, ठीक है। अब tan थीटा आप कैसे निकालोगे, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो आप इससे निकाल सकते हैं आराम से, आपको परपेंडिकुलर भी पता है और बेस भी पता है क्योंकि आपको ये पता है ये डिस्टेंस जो पी सी डिस्टेंस है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, पी सी डिस्टेंस जो है वो आर है, पी सी सी डिस्टेंस आर है, इस पॉइंट को अगर मैं पी क्यू कह दूँ तो मुझे पता है कि पी क्यू जो है वो आर बाई टू है, तो आप चाहें साइन थीटा टेन थीटा निकाल लीजिए, चाहे आप इसमें से आप क्या सबसे सरलता से निकाल सकते हैं, कॉस थीटा निकाल सकते हैं, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू
बेस अपॉन हाइपोटन्यूज, तो आर अपॉन आर अपॉन टू है ना, तो उससे आपका ये आंसर आ जाएगा। तो आपका 1/2 हो गया cos थीटा, यानी cos थीटा 60 हो गया। तो आप इसमें 1060 लगा सकते हैं, 1060 जो हो गया वो रूट 3 हो गया, ठीक है। तो इससे हमें मिल गया कि थीटा जो हो गया वो मेरा 60 डिग्री हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो गई मेरी 2g अपॉन आर रूट 3, 2g अपॉन आर रूट 3। तो चलिए हाथ के हाथ हो ही गए क्वेश्चन, तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो गया, राइट। तो छोटी सी ज्योमेट्री और छोटा सा फोर्स बैलेंस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर उसी कॉन्सेप्ट पे है जो कुछ समय पहले मैंने आपको कराया था। ए रॉड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, तो मैं तो लेंथ को एल ले ले रहा हूँ अभी, 50 सेंटीमीटर उसकी वैल्यू है। इज फिक्स्ड एट वन एंड, इट इज रेज्ड सो दैट इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, थीटा में 30 डिग्री ले ले रहा हूँ फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एज शोन इन द रिलीज फ्रॉम द एंगल ऑफ स्पीड व्हेन इट पासेस थ्रू द हॉरिजॉन्टल एज। तो देखिए जब ये अपने हॉरिजॉन्टल से पास करेगा, तो मैं इसी में बनाने की प्रयास करता हूँ, तो ये जो हाइट फॉल होगी ये वाली हाइट फॉल होगी, राइट। इतनी हाइट ये गिरेगा, ये जो ये वाली जो लेंथ है ये एल बाई टू है, ये सभी जानते हैं। तो ये कितनी हाइट गिरेगा, एल बाई टू साइन थीटा। तो यहाँ पर भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा, यानी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी या लॉस इन रादर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीपीटी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कौन सी, रोटेशनल काइनेटिक, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, राइट। सो एम जी इंटू एल बाई टू साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ आई। अब देखिए रॉड किसके अबाउट घूम रही है, अपने एंड के अबाउट घूम रही है। तो जब रॉड अपने एंड के अबाउट घूमेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी किसके अबाउट लिया जाएगा, एंड के अबाउट लिया जाएगा। तो कितना हो गया भैया, एम एल स्क्वायर बाई थ्री हाफ आई ओमेगा, ठीक है। सो एंगुलर स्पीड ही निकाल लीजिए, तो आप इसको इक्वेट कर लीजिए और एंगुलर स्पीड निकाल लीजिए, तो आप जो उसको सॉल्व करेंगे तो आपको ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट 30, राइट। ओमेगा की वैल्यू आपको अंडर रूट 30 मिल जाएगी, और यही आपका आंसर। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स मैंने शुरू में ही बता दी आपको, इससे सॉल्व होंगी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से सॉल्व, ठीक है। आप फोर्स टॉर्क मेथड मत लगाइएगा क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट होता है, राइट। ये क्वेश्चन में एरर था, ये क्वेश्चन नहीं करेंगे। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। टू मॉप क्लीन ए फ्लोर, ए क्लीनिंग मशीन, वो वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए छोड़ा है कि उसमें लास्ट ईयर जो था वो रीवैल्यूएशन में गया था, उसका डेटा जो है वो मैच नहीं करता है, क्वेश्चन का आंसर चारों ऑप्शन मैच नहीं करते हैं, राइट। द मॉप क्लीन ए फ्लोर इज ए क्लीनिंग मशीन प्रेसेस ए सर्कुलर मॉप ऑफ रेडियस कैपिटल आर वर्टिकली डाउन विद ए टोटल फोर्स ऑफ कैपिटल एफ एंड रोटेट्स इट विद ए कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड अबाउट इट एक्सिस। इफ द फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द मॉप एंड इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द मॉप एंड द फ्लोर इज म्यू, द टॉर्क अप्लाइड बाई द मशीन ऑन द मॉप इज, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जरा कि किस तरीके की बात ये कर रहा है। ये बेसिकली कह रहा है कि ये हमारा एक मॉप है, मॉप का सर्कुलर एरिया है इस तरीके का, ठीक है। इसके ऊपर जो मशीन है वो कांस्टेंट फोर्स लगा रही है पूरे इसके ऊपर, राइट। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो म्यू है, ठीक है। तो हमें टोटल टॉर्क बताना है इसके ऊपर क्या है। तो फोर्स पूरे पर यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हर पॉइंट पर अलग अलग टॉर्क लग रहा होगा, तो उस टॉर्क का हमें एक जायजा लेना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, उसको लेने के लिए एक रिंग ले ली रेडियस आर की और थिकनेस डी आर के। अभी तक आप सबको ये तो पता चल ही गया होगा कि कोई भी प्रॉब्लम करना हो हमें उसे इसी तरीके से करना, राइट। तो ये रेडियस आर हो गया और ये मेरा थिकनेस जो है इसकी डी आर, राइट। इसके ऊपर लगने वाला जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो इसके ऊपर लगने वाले फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा, राइट। क्योंकि ऊपर से कौन दबा रहा है इसको, फोर्स दबा रहा है, तो फोर्स दबा रहा है तो उतना ही नॉर्मल रिएक्शन ऊपर मिल रहा होगा। और जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो टेंजेंशियल होगा, वो जो फ्रिक्शन फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा वो हर तरफ टेंजेंशियल होगा, राइट। अब जो फ्रिक्शन फोर्स टेंजेंशियल होगा तो उसका टॉर्क क्या होगा, टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स ऑन दिस एलिमेंट, टॉर्क ऑन द फ्रिक्शन फोर्स ड्यू टू ऑन दिस एलिमेंट विल बी एफ इनटू स्मॉल आर, हमने इसका रेडियस स्मॉल आर लिया, राइट। यही होगा। अच्छा, अब एफ क्या होता है, एफ होता है म्यू इनटू एन इनटू स्मॉल आर, राइट। तो दिस इज डी टाउ, मतलब टाउ ऑन दिस रिंग, ठीक है। डी टाउ इज द टॉर्क ऑन दिस कंसिडर्ड रिंग, राइट। चलिए, अच्छा अब एन क्या है, एन नॉर्मल रिएक्शन है, तो टोटल फोर्स इसको एफ नीचे दबा रहा है, तो पूरा एरिया इसका कितना था भाई, इसका पूरा एरिया था पाई आर स्क्वायर, और जो हमने एरिया कंसिडर करा है वो कितना है, वो है 2πrdr, जो हमने एरिया कंसिडर करा है वो कितना है, 2πrdr। तो नॉर्मल की जो वैल्यू हो गई यहाँ पर वो एफ
पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं, तो 2f अपॉन आर स्क्वायर्ड इंटू आर डी आर, राइट। सो डी टॉर्क मेरा जो डी टाउ हो गया, जो टाउ मेरा टॉर्क है वो कितना हो गया म्यू, तो मैं लिख देता हूँ 2f म्यू अपॉन आर स्क्वायर, एक आर यहाँ पर है और एक आर यहाँ पर आया, तो ये हो गया आर स्क्वायर डी आर, राइट। एक आर यहाँ पर, एक आर यहाँ पर आया, आर स्क्वायर डी आर। तो टोटल टॉर्क जो हो गया उसके ऊपर एक्ट करेगा वो हो गया 2 म्यू एफ अपॉन आर स्क्वायर इंटू इंटीग्रल आर स्क्वायर डी आर फ्रॉम जीरो टू कैपिटल, ठीक है, आर स्क्वायर डी आर फ्रॉम जीरो टू कैपिटल, राइट। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा 2 म्यू एफ अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब बाई थ्री, तो आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास जो बच गया ये बच गया 2 बाई थ्री म्यू एफ आर, और ये ऑप्शन नंबर ए, राइट। तो इस तरीके का प्रॉब्लम जो है हमारे मॉड्यूल में भी है और थोड़ा सा डिफरेंट सा प्रॉब्लम एरोडोव की बुक में भी है, तो ये उसी कंसेप्ट पे बेसिकली बेस्ड है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं कहूँगा कि जेई मेन के हिसाब से तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ये भी 2019 का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन कहता था मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास 1 kg, एम जो है हमारा 1 kg है, टॉर्क जो है वो 2.5 न्यूटन मीटर है अबाउट द ओरिजिन, राइट। इफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज 1 न्यूटन, फोर्स उस पर 1 न्यूटन लग रहा है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 मीटर, द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द पोजिशन वेक्टर इज, तो ये तो सभी इसमें मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, ठीक है। और इसको अब आप जो हैं वो कर लीजिए, वैल्यूज प्लेस कर लीजिए इसकी और आपको इसका आंसर मिल जाएगा। टॉर्क कितना हो गया भैया, 2.5 हो गया, आर कितना हो गया हमारा 5 मीटर हो गया, इंटू फोर्स कितना हो गया 1 हो गया, इंटू साइन थीटा थीटा हो गया, सो भैया साइन थीटा की वैल्यू 1/2 हो गई, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो गई। पता नहीं ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया था जेईई मेंस में, आज तक मैं इस बात को नहीं समझ पाया, ठीक है, बट पूछा गया तो अच्छी बात है, हम चाहते हैं 2020 में भी पूछा जाए जिससे हमारे पूरे नंबर आ जाए, है ना। एक और क्वेश्चन है, ये भी 2019 का ही है, क्योंकि 19 और 20 के ही सारे क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए स्लैब इज सब्जेक्टेड बाय टू फोर्स F1 एंड F2 ऑफ सेम मैग्नीट्यूड F, एज शोन इन द फिगर, F2 इज इन द XY प्लेन, F2 इज इन द XY प्लेन व्हाइल F1 इज अलोंग Z एक्सिस एट ए पॉइंट दिस डिस्टेंस, ठीक है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दीज फोर्सेस। तो सबसे पहले टाउ 1 लिख देते हैं, सो टाउ 1 विल बी R1 क्रॉस F1, सो R1 कितना है भैया, 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j क्रॉस F1, तो ये है FK कैप, क्योंकि ये कैसा जा रहा है, ऐसे जा रहा है, राइट, तो FK कैप, राइट। अब आप देखो इसको, किसको देखो आप, F2 को, तो F2 मैं दिखाता हूँ आपको, ये F2 ये रहा, राइट, इसका एक कंपोनेंट ये हो गया और एक कंपोनेंट, ठीक है, एक कंपोनेंट ये हो गया, एक कंपोनेंट ये हो गया, ये एंगल थीटा 30 है तो ये भी 30 है, तो ये हो गया मेरा F cos 30 और ये हो गया मेरा F sin 30, राइट, ये हो गया F cos 30 और ये हो गया F sin 30, राइट। तो अब देखो F cos 30 तो ओरिजिन से पास हो रहा है तो उसके अबाउट उसका कोई टॉर्क होगा नहीं, F sin 30 का टॉर्क होगा, राइट, तो वो हम देख लेते हैं, tau 2 will be equal to R2 cross F2, tau 2 will be equal to R2 cross F2, ठीक है। अच्छा अब R2 कितनी वैल्यू हो गई, ये है 6 मीटर तो ये हो गई 6j cap क्रॉस F sin थीटा है तो F sin 30 सॉरी XY प्लेन में है ये, सॉरी ये XY प्लेन में है तो XY प्लेन में है तो ये इधर चला गया और ये इधर चला गया, यानी ये माइनस आई कैप हो गया,
राइट। ठीक है, तो इन दोनों को अब हम टाओ वन प्लस टाओ टू कर देंगे। टाओ नेट जो होगा टाओ विल बी इक्वल टू टाओ वन प्लस टाओ टू, और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी टाओ की वो मैं यहाँ से ही देख के लिख दे रहा हूँ, वो आ जाएगी थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री। राइट, तो ये भी ठीक ठीक क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन मुझे लगता है स्कूल में भी हमारे यहाँ काफ़ी आते हैं, तो हम सभी इसको कर पाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये देखने में तो बड़ा खतरनाक सा लगता है प्रॉब्लम। क्वेश्चन कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास 20 ग्राम इज रिलीज्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड अलोंग द कर्व फ्रॉम ए पॉइंट ए एज शोन इन द फिगर। द पॉइंट ए इज एट ए हाइट ऑफ एच फ्रॉम बी। ठीक है, द पार्टिकल स्लाइड डाउन द फ्रिक्शनलेस सरफेस व्हेन द पार्टिकल रीचेस द पॉइंट बी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ओ बी। ठीक है, देखने में बड़ा टेढ़ा सा क्वेश्चन लग रहा है बट बहुत सरल सा क्वेश्चन है। ठीक है, जब ये बी पर पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी ऐसी होगी, देखिए इस तरीके से होगी। ठीक है, और ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो ओ से इसका डिस्टेंस आप देखोगे तो ये हो गया, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। राइट, अच्छा, अब यहाँ पर बी पर वेलोसिटी निकालने के लिए आप सीधी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दीजिए कि लॉस इन जीपीई, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अच्छा, अब आप देखते हैं कि हम क्या लॉस हुआ भाई इनका, इनका लॉस जो हुआ ए से बी आने में लॉस हो गया एम जी एच। ठीक है, एम जी एच, राइट, दिस शुड बी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, और जो एंगुलर मोमेंटम हो गया वो सिंपल मेरा एम वी इन टू एच प्लस एक्स, क्योंकि यहाँ पे जब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आ रहा है तो वेलोसिटी जो है रेडियस के कैसी है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ठीक है, सिर्फ ध्यान क्या रखना है, सिर्फ ध्यान ये रखना है कि इसको लगाते समय सब चीज़ आप सही कर रहे हैं, इसमें किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मास जो लगाना है वो 20 ग्राम है, तो उसको 20 अपॉन 1000 के जी लगा देना है। ठीक है, इसको आप सारी वैल्यूज को डाल दोगे तो आपको सिंपल जो एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा वो मिल जाएगा 6 के जी मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन टफ नहीं था, क्वेश्चन इजी था बट अच्छा क्वेश्चन था। मतलब ठीक है, मतलब मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं तो चीज़ें सही होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी 2019 का क्वेश्चन है, ये देखते हैं क्या कहता है। ये कहता है कि टू पार्टिकल्स ए एंड बी, ए बी एंड मूविंग ऑन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस आर वन एंड आर टू विद इक्वल एंगुलर स्पीड ओमेगा। ठीक है, एट टी इज इक्वल टू जीरो द डायरेक्शन ऑफ द मोशन आर शोन इन द फिगर, द रिलेटिव वेलोसिटी वी ए माइनस वी बी एट टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा इज। ठीक है, तो हमें जानते हैं कि सभी लोग जानते हैं कितना एंगल घूमेगा कोई भी चीज़, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी जो है वो मेरा हो गया 2 पाई बाई ओमेगा, सॉरी पाई बाई टू ओमेगा इंटू पाई बाई टू ओमेगा। तो एंगल जो घूम गया वो घूम गया पाई बाई। ठीक है, इनिशियली आप देखिए कैसे जो दिखाई हुई है पोजीशन वही है। इस समय पे मैं पोजीशन दिखा देता हूँ आपको कि इस समय पर जब पाई बाई टू ये एंगल घूम जाएंगे दोनों तो किस तरीके की सिचुएशन होगी इनकी। तो इनकी सिचुएशन देखिए कुछ ऐसी होगी कि ये यहाँ पर है और ये पाई बाई टू घूमने के बाद ये यहाँ पर आ जाएगा और ऐसा होगा इस तरीके से, और ये जो नीचे जा रहा है ये यहाँ पर होगा और ये भी इस तरीके से। राइट, आई थिंक एवरीबडी कैन कोरिलेट दिस विद योर डायग्राम, दैट डायग्राम विच इज गिवन अबव। राइट, एंड दिस इज बी ए एंड दिस विल बी बी। ठीक है, ये बी ए होगा और ये बी बी होगा। सो बी ए जो होगा दैट विल बी आर वन इंटू ओमेगा वन, दैट विल बी आर वन इंटू ओमेगा वन, and omega is same for both, I think it is given that omega is same for both, and vb will be r2 into omega 2 and which is also okay. So velocity of a with respect to b, any velocity of a minus velocity of b will be equal to r1, velocity of a minus velocity of b, right? So
So velocity of A minus velocity of B will be R into R1 into omega minus R2 into omega, and both are, these are pointed in the minus I cap direction. These are pointed into minus I cap direction. So VA minus VB can be rewritten as R2 minus R1 whole into omega into I cap. So which is option number B. Though it's not a difficult question, basically it was just a matter of depiction. कि कुछ लोग शुरू में जल्दी डर जाएंगे तो शायद इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे और एंगल वेंगल भी नहीं देखेंगे और नहीं डरेंगे, तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, राइट? सो दिस वाज द होल आइडिया बिहाइंड दिस क्वेश्चन. सो वी हैव डन ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस टुडे इन टुडेज वेबिनार, एंड आई होप दैट ये जो विद्या मंदिर क्लासेस की तरफ से कोशिश चल रही है आप सभी बच्चों को करने की अच्छे से अच्छा 2020 के वेबिनार में. और मैंने जैसा आप लोगों का जो जो आपसे फीडबैक लिया और उसके अनुसार हम लोग चीज़ों को रोज़ चेंज कर रहे हैं, आप लोगों ने शेड्यूल मांगा, हमने शेड्यूल दिया. तो अगले सेशन में मिलते हैं. अगला सेशन जो है कोलिजन का है, और कोलिजन में हम लोग नॉर्मल कोलिजन और कोलिजन एंड रोटेशन दोनों पर बात करेंगे, और कुछ ऐसी ट्रिक्स मैं आपको बताऊँगा जो आपके लिए बहुत कामगर होंगी. बहुत मज़ा आएगा आपको उस सेशन में भी. तो इंतज़ार करिए जब तक के सेशन का हमारा. तो स्टे होम, स्टे सेफ, एंड स्टडी लाइव विद VMC. Thank you.